This film is purely fictitious and resemblance of this film to any character. Place name is simply a coincidence, nothing more than that. This film is for entertainment purpose. If the scenes in the film are all offensive or have some issues, then please contact to director or producer. हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है ब्लैक स्नेक मॉन। ये मूवी 23 फरवरी 2007 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। इस मूवी के निर्देशक क्रैग ब्यूफर हैं तथा यह मूवी स्लैश मार्नर पर आधारित है। इस मूवी को 78% गूगल यूजर द्वारा पसंद किया गया है। वहीं इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.9/10 है। ब्लैक स्नेक मून एक 2006 की अमेरिकी ब्लैक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें क्रैग वेवर द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें सैमुअल एल जैक्सन, क्रिस्टिना रिकी और जस्टिन टिम्बरलेक ने अभिनय किया है। फिल्म एक मिसिपी ब्लूजमैन जैक्सन पर आधारित है जो एक परेशान स्थानीय महिला रिकी को अपने घर में बंदी बनाकर रखती है ताकि उसे सड़क के किनारे पूरी तरह से पीटे जाने के बाद उसके निफोनियमिया को ठीक करने की कोशिश की जा सके। इस मूवी के डायरेक्टर क्रिस ब्रेवर तथा राइटर भी क्रिस ब्रेवर हैं। इस मूवी के प्रोड्यूसर स्टीफियन आलियन और जॉन स्टीगलेटन हैं। इस मूवी के मेल लीड कैरेक्टर सैमुअल एल जैक्सन, क्रिस्टिना रिची, जस्टिन टिम्बरलेक एंड एस एलिजाबेथ मैक्सन है। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी एमी विस्टर ने की है। वहीं इस मूवी को एडिट बिली फॉक्स द्वारा किया गया है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर स्कॉट बोमर हैं तथा इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी न्यू डील प्रोडक्शन साउथम कोर्ट द डॉग प्रोडक्शन है। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट परमानाउंट वेंटेज ने किया है। वहीं इस मूवी को मुख्य तौर पर 9 दिसंबर 2006 को यूनाइटेड स्टेट में इंग्लिश भाषा में रिलीज किया गया। इस मूवी का टोटल बजट $15 मिलियन का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर केवल $10 मिलियन की ही कमाई करी। फिल्म का शीर्षक 1927 के ब्लाइड लेमन जैक्सन गीत से लिया है। फिल्म मिसिसिपी ब्लूज आंदोलन के कई संदर्भों को आकर्षित करती है, विशेष रूप से इसके शीर्षक और साउंडट्रैक में। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी की स्टार्टिंग फिल्म में दो पात्रों पर केंद्रित करती है, लाजारेट सैमुअल एल जैक्सन और एक गहरा धार्मिक किसान और पूर्व ब्लूज गिटारवादक और राय डूले क्रिटिन रिकी, एक युवा यौन व्यसनी। लाजर की पत्नी और उसके भाई के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था जिससे वह कड़वा और क्रोधित हो गया। राय के प्रेमी रोनी मॉर्गन ने जस्टिन डिब्लेट या 1960 फील्ड आर्टिकल ब्रिगेड टेंसनी नेशनल गार्डन के साथ तैनाती के लिए रवाना होते हैं और उनकी अनुपस्थिति में वह संपलिता और नशीली दवाइयों के उपयोग के मुकाबले में शामिल होते हैं। राय की एक मुलाकात के दौरान रोनी का दोस्त गिल मार्टन यानी माइकल रैमटन जैमसन उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। वह उसकी प्रगति पर हंसती है और उसकी तुलना किसी अन्य पुरुष से करती है और वह उसे बुरी तरह पीटता है। उसे मरा हुआ मानते हुए गिल राय को छोड़ देता है और उसे केवल शर्ट और पैंटी पहनकर सड़क के किनारे छोड़ देता है, चला जाता है। लाजर अगली सुबह सड़क के बगल में राय को बेहोश पाता है और उसे वापस स्वास्थ्य के लिए नर्स करने के लिए घर लाता है। लाजर तैरोन यानी डेविड बैनर को देखने जाता है, वह व्यक्ति जिसने लाजर ने सोचा था कि उसे पीटा था।
और उसकी संपूर्णता के बारे में सीखता है। कई दिनों के दौरान राय बुखार से ग्रस्त कभी कभी जागता है और लाजा से भागने की कोशिश करता है। वह उसे भागने में रोकने के लिए उसे रेडिएटर में जंजीर में बांध देता है। राय की अपनी बुद्धि हासिल करने के बाद लाजा ने घोषणा की कि वह उसके पापी तरीकों से उसे ठीक करना उसका आध्यात्मिक कर्तव्य है। जब तक वह ऐसा नहीं करता तब तक उसे रिहा करने से इनकार कर देता है। राय भागने के कई प्रयास करता है, यहाँ तक कि वह किशोरी के साथ संक्षेप में यौन संबंध रखता है तो लाजा के खेत में मदद करता है। वह अंततः अपनी स्थिति को सहन करने के लिए आती है। लाजर उसे पहनने के लिए एक रूढ़िवादी पोशाक खरीदता है, उसके लिए गिटार बजाता है और उसके घर बनाकर खिलाता भी है। लाजर के पादरी और करीबी दोस्त आर एल जॉन कॉस जूनियर लाजर के घर उसके घर जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि लाजर राय को कैद करके रखता है। पादरी लाजर के साथ तर्क करने की कोशिश करता है और समूह भोजन करता है। इस बीच रोनी अपनी गंभीर चिंता विकार के कारण नेशनल गार्ड के छुट्टी मिलने के बाद शहर लौट आता है। राय की तलाश करते हुए जो गायब हो गई वह गिल से मिलता है और उसे सूचित करता है कि राय जब भी शहर से बाहर होता है तो उसे धोखा देती है। रोनी गिल पर हमला करता है, उसका ट्रक चुराता है और राय की तलाश जारी रखता है। सुबह में लाजर ने राय को मुक्त कर दिया, यह तय करते हुए कि उसके पास उस पर निर्णय पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। राय अपनी मर्जी से लाजर के साथ रहने का विकल्प चुनती है। उस रात एक आंधी के दौरान राय के अनुरोध पर लाजर उसके लिए ब्लाइंड लेमन जेफरन द्वारा ब्लैक स्नेक मौन गीत गाया। बाद में राय और लाजर शहर की यात्रा करते हैं, जहाँ राय अपनी माँ किम रिचर्ड को अपनी माँ के साथी के हाथों यौन शोषण के बारे में बताते हैं। इस बीच लाजर के स्थानीय फार्मेसिस्ट हैंसला एस अपाथा मार्कस के साथ एक नवोदित रोमांस बनाया था। वह स्थानीय बार में ब्लूज कॉस्टन बजाता है जिसमें राय भाग लेता है। रोनी ने राय को देखा और लाजर के घर तक पीछा किया। वह एक पिस्तौल के साथ जोड़ी का सामना करता है लेकिन लाजर उसे बताता है कि पादरी को बुलाता है। रोनी और राय तय करते हैं कि वे अलग होने से ज़्यादा मजबूत हैं और शादी कर लें। दूर जाते समय रोनी फिर से एक पैनिक अटैक से पीड़ित होता है और राय को अपना एक मंत्र देना शुरू जाता है, लेकिन फिर से वे खुद को एक साथ खींच लेते हैं और एक दूसरे की देखभाल करने का संकल्प लेते हैं। इसी के साथ मूवी का डी एंड हो जाता है। मूवी की स्टार्टिंग फिल्म में दो पात्रों पर केंद्रित करती है, लाजारेट सैमुअल एल जैक्सन और एक गहरा धार्मिक किसान और पूर्व ब्लूज गिटारवादक और राय डूले क्रिटी रिक्की एक युवा यौन व्यसनी। लाजर की पत्नी और उसके भाई के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था जिससे वह कड़वा और क्रोधित हो गया। राय के प्रेमी रोनी मॉर्गन ने जस्टिन डिब्लिट यानी 1960 फिल्म आर्टिकल ब्रिगेड टेंसनी नेशनल गार्डन के साथ तैनाती के लिए रवाना होते हैं और उनकी अनुपस्थिति में वह संपलिता और नशीली दवाइयों के उपयोग के मुकाबले में शामिल होते हैं। राय की एक मुलाकात के दौरान रोनी का दोस्त गिल मार्टन यानी माइकल रैमटन जैमसन उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। वह उसकी प्रगति पर हंसती है और उसकी तुलना किसी अन्य पुरुष से करती है और वह उसे बुरी तरह पीटता है। उसे मरा हुआ मानते हुए गिल राय को छोड़ देता है और उसे केवल शर्ट और पैंटी पहनकर सड़क के किनारे छोड़ देता है, चला जाता है। लाजर अगली सुबह सड़क के बगल में राय को बेहोश पाता है और उसे वापस स्वास्थ्य के लिए नर्स करने के लिए घर लाता है। लाजर तेरोन यानी डेविड बैनर को देखने जाता है, वह व्यक्ति जिसने लाजर ने सोचा था कि उसे पीटा था और उसकी संपलिता के बारे में सीखता है। कई दिनों के दौरान राय बुखार से ग्रस्त कभी कभी जागता है और लाजर से भागने की कोशिश करता है। वह उसे भागने में रोकने के लिए उसे रेडिएटर में जंजीर में बांध देता है। राय की अपनी बुद्धि हासिल करने के बाद लाजर ने घोषणा की कि वह उसके पापी तरीकों से उसे ठीक करना उसका आध्यात्मिक कर्तव्य है।
जब तक वह ऐसा नहीं करता तब तक उसे रिहा करने से इनकार कर देता है। राय भागने के कई प्रयास करता है, यहाँ तक कि वह किशोरी के साथ संक्षेप में यौन संबंध रखता है तो लाजा के खेत में मदद करता है। वह अंततः अपनी स्थिति को सहन करने के लिए आती है। लाजर उसे पहनने के लिए एक रूढ़िवादी पोशाक खरीदता है, उसके लिए गिटार बजाता है और उसके घर बनाकर खिलाता भी है। लाजर के पादरी और करीबी दोस्त आर एल जॉन कॉस जूनियर लाजर के घर उसके घर जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि लाजर राय को कैद करके रखता है। पादरी लाजर के साथ तर्क करने की कोशिश करता है और समूह भोजन करता है। इस बीच रोनी अपनी गंभीर चिंता विकार के कारण नेशनल गार्ड के छुट्टी मिलने के बाद शहर लौट आता है। राय की तलाश करते हुए जो गायब हो गई वह गिल से मिलता है और उसे सूचित करता है कि राय जब भी शहर से बाहर होता है तो उसे धोखा देती है। रोनी गिल पर हमला करता है, उसका ट्रक चुराता है और राय की तलाश जारी रखता है। सुबह में लाजर ने राय को मुक्त कर दिया, यह तय करते हुए कि उसके पास उस पर निर्णय पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। राय अपनी मर्जी से लाजर के साथ रहने का विकल्प चुनती है। उस रात एक आंधी के दौरान राय के अनुरोध पर लाजर उसके लिए ब्लाइंड लेमन जेफरसन द्वारा ब्लैक स्नेक मौन गीत गाया। बाद में राय और लाजर शहर की यात्रा करते हैं, जहाँ राय अपनी माँ किम रिचर्ड को अपनी माँ के साथी के हाथों यौन शोषण के बारे में बताते हैं। इस बीच लाजर के स्थानीय फार्मेसिस्ट एंसला एस अपाथा मार्कस के साथ एक नवोदित रोमांस बनाया था। वह स्थानीय बार में ब्लूज कॉस्टन बजाता है जिसमें राय भाग लेता है। रोनी ने राय को देखा और लाजर के घर तक पीछा किया। वह एक पिस्तौल के साथ जोड़ी का सामना करता है, लेकिन लाजर उसे बताता है कि पादरी को बुलाता है। रोनी और राय तय करते हैं कि वे अलग होने से ज़्यादा मजबूत हैं और शादी कर लें। दूर जाते समय रोनी फिर से एक पैनिक अटैक से पीड़ित होता है और राय को अपना एक मंत्र देना शुरू जाता है, लेकिन फिर से वे खुद को एक साथ खींच लेते हैं और एक दूसरे की देखभाल करने का संकल्प लेते हैं। इसी के साथ मूवी का डी एंड हो जाता है। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो सैमुअल एल जैक्सन ने लार्जेस्ट बेरेट का, क्रिस्टन रिची ने राव डॉली का, जस्टिन टिम्बर्क ने सोनिया मोर्गन का, जॉन कॉटन ने आरएल का, एलिजाबेथ मार्कस ने एंजेला का, डेविड बैनर ने टैमरोना का, किम रिचर्ड ने सैंडी डोले का, सन हाउस ने हिमसेल्फ का, निम के विल्सन ने निकोलस जेम्सन का, माइकल रैमंड जेम्सन ने गिल मॉर्टन का, अदरिया लेकंस ने रोज रोड्स का, लियोट थॉम्सन ने डेकवुड का, जेफ पॉफ ने बॉस्टन का, एमी लेवर्स ने जैसे का, कैलेंट ग्रेंट ने कैल का, कार्ल स्कीप ने चार्ली का रोल प्ले किया है। फिल्म के लिए जैक्सन ने पूरे फिल्म के कई गानों के लिए ब्लूज गिटार बजाना सीखने के लिए आधे साल तक एक दिन में 6 या 7 घंटे बिताए। फिल्मांकन के दौरान रिकी ने वास्तविकता 40 पाउंड की चैन पहनी थी और बीमार दिखने के लिए केवल बिना पोषण मूल्य के खाद्य पदार्थ खाए। उसने एंटरटेनमेंट वीकली को बताया कि जब वह कैमरे में नहीं चल रहे थे तब वह कम पहने रहती थी। सैम, ऐसा होगा, कुछ कपड़े पहना लो। मैं ऐसा था, नहीं तो तुम नहीं समझते, मैं कुछ महत्वपूर्ण काम कर रहा हूँ। क्रिस्टन रिकी ने कहा कि कठोर सेक्स दृश्य दर्दनाक थे, आंशिक रूप से क्योंकि उनकी साथी कलाकारों के साथ रेप। निर्माता डेविड बैनर ने अभिनय का कोई पिछला अनुभव नहीं था। बैनर के साथ एक दृश्य में रिकी ने कहा, मुझे आहत किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बलात्कार किया जा रहा हो। यह कठिन था, मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन यह सिर्फ डेव की गलती थी। फिल्म बहुत ही आकर्षक तरीके से शूट की गई। फिल्म में दिखाए जाने वाले सभी सीन लोगों को बहुत ही आश्चर्यचकित करते हैं और लोगों को रुलाते भी हैं। गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपने अगली वीडियो के साथ जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है ब्लैक स्नेक मॉन। ये मूवी 23 फरवरी 2007 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी।
इस मूवी के निर्देशक क्रैग ब्यूफर हैं तथा यह मूवी स्लैश मार्नर पर आधारित है। इस मूवी को 78% गूगल यूजर द्वारा पसंद किया गया है। वहीं इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.9/10 है। ब्लैक स्नेक मून एक 2006 की अमेरिकी ब्लैक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें क्रैग वेवर द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें सैमुअल एल जैक्सन, क्रिस्टिना रिकी और जस्टिन टिम्बरलेक ने अभिनय किया है। फिल्म एक मिसिपीय ब्लूजमैन जैक्सन पर आधारित है जो एक परेशान स्थानीय महिला रिकी को अपने घर में बंदी बनाकर रखती है ताकि उसे सड़क के किनारे पूरी तरह से पीटे जाने के बाद उसके निफोनियमिया को ठीक करने की कोशिश की जा सके। इस मूवी के डायरेक्टर क्रिस ब्रेवर तथा राइटर भी क्रिस ब्रेवर हैं। इस मूवी के प्रोड्यूसर स्टीफियन आलियन और जॉन स्टीलेटन हैं। इस मूवी के मेल लीड कैरेक्टर सैमुअल एल जैक्सन, क्रिस्टिना रिची, जस्टिन टिम्बरलेक एंड एस एलिजाबेथ मैक्सन हैं। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी एमी विस्टर ने की है। वहीं इस मूवी को एडिट बिली फॉक्स द्वारा किया गया है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर स्कॉट बोमर हैं तथा इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी न्यू डील प्रोडक्शन साउथम कोर्स द डॉग प्रोडक्शन है। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट परमानाउंट वेंटेज ने किया है। वहीं इस मूवी को मुख्य तौर पर 9 दिसंबर 2006 को यूनाइटेड स्टेट में इंग्लिश भाषा में रिलीज किया गया। इस मूवी का टोटल बजट $15 मिलियन का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर केवल $10 मिलियन की ही कमाई करी। फिल्म का शीर्षक 1927 के ब्लाइड लेमन जैप्सन गीत से लिया है। फिल्म मिसिपीय ब्लूज आंदोलन के कई संदर्भों को आकर्षित करती है, विशेष रूप से इसके शीर्षक और साउंडट्रैक में। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी की स्टार्टिंग फिल्म में दो पात्रों पर केंद्रित करती है, लाजारेट सैमुअल एल जैक्सन और एक गहरा धार्मिक किसान और पूर्व ब्लूज गिटारवादक और राय डूले क्रिटी रिकी एक युवा यौन व्यसनी। लाजर की पत्नी और उसके भाई के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था जिससे वह कड़वा और क्रोधित हो गया। राय के प्रेमी रोनी मॉर्गन ने जस्टिन डिब्लेट यानी 1960 फिल्म आर्टिकल ब्रिगेड टेंसनी नेशनल गार्डन के साथ तैनाती के लिए रवाना होते हैं और उनकी अनुपस्थिति में वह संपलिता और नशीली दवाइयों के उपयोग के मुकाबले में शामिल होते हैं। राय की एक मुलाकात के दौरान रोनी का दोस्त गिल मार्टन यानी माइकल रैमटन जैमसन उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। वह उसकी प्रगति पर हंसती है और उसकी तुलना किसी अन्य पुरुष से करती है और वह उसे बुरी तरह पीटता है। उसे मरा हुआ मानते हुए गिल राय को छोड़ देता है और उसे केवल शर्ट और पैंटी पहनकर सड़क के किनारे छोड़ देता है चला जाता है। लाजर अगली सुबह सड़क के बगल में राय को बेहोश पाता है और उसे वापस स्वास्थ्य के लिए नर्स करने के लिए घर लाता है। लाजर तैरोन यानी डेविड बैनर को देखने जाता है, वह व्यक्ति जिसने लाजर ने सोचा था कि उसे पीटा था और उसकी संपलिता के बारे में सीखता है। कई दिनों के दौरान राय बुखार से ग्रस्त कभी कभी जागता है और लाजर से भागने की कोशिश करता है। वह उसे भागने में रोकने के लिए उसे रेडिएटर में जंजीर में बांध देता है। राय की अपनी बुद्धि हासिल करने के बाद लाजर ने घोषणा की कि वह उसके पापी तरीकों से उसे ठीक करना उसका आध्यात्मिक कर्तव्य है। जब तक वह ऐसा नहीं करता तब तक उसे रिहा करने से इनकार कर देता है। राय भागने के कई प्रयास करता है, यहाँ तक कि वह किशोरी के साथ संक्षेप में यौन संबंध रखता है तो लाजर के खेत में मदद करता है। वह अंततः अपनी स्थिति को सहन करने के लिए आती है। लाजर उसे पहनने के लिए एक रूढ़िवादी पोशाक खरीदता है, उसके लिए गिटार बजाता है और उसके घर बनाकर खिलाता भी है। लाजर के पादरी और करीबी दोस्त RL जॉन कॉस जूनियर लाजर के घर उसके घर जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि लाजर राय को कैद करके रखता है।
पादरी लाजर के साथ तर्क करने की कोशिश करता है और समूह भोजन करता है। इस बीच रोनी अपनी गंभीर चिंता विकार के कारण नेशनल गार्ड के छुट्टी मिलने के बाद शहर लौट आता है। राय की तलाश करते हुए जो गायब हो गई वह गिल से मिलता है और उसे सूचित करता है कि राय जब भी शहर से बाहर होता है तो उसे धोखा देती है। रोनी गिल पर हमला करता है, उसका ट्रक चुराता है और राय की तलाश जारी रखता है। सुबह में लाजर ने राय को मुक्त कर दिया, यह तय करते हुए कि उसके पास उस पर निर्णय पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। राय अपनी मर्जी से लाजर के साथ रहने का विकल्प चुनती है। उस रात एक आंधी के दौरान राय के अनुरोध पर लाजर उसके लिए ब्लाइंड लेमन जेफरन द्वारा ब्लैक स्नेक मौन गीत गाया। बाद में राय और लाजर शहर की यात्रा करते हैं, जहाँ राय अपनी माँ किम रिचर्ड को अपनी माँ के साथी के हाथों यौन शोषण के बारे में बताते हैं। इस बीच लाजर के स्थानीय फार्मेसला एस अपाथा मार्कस के साथ एक नवोदित रोमांस बनाया था। वह स्थानीय बार में ब्लूज कॉस्टन बजाता है जिसमें राय भाग लेता है। रोनी ने राय को देखा और लाजर के घर तक पीछा किया। वह एक पिस्तौल के साथ जोड़ी का सामना करता है, लेकिन लाजर उसे बताता है कि पादरी को बुलाता है। रोनी और राय तय करते हैं कि वे अलग होने से ज़्यादा मजबूत हैं और शादी कर लें। दूर जाते समय रोनी फिर से एक पैनिक अटैक से पीड़ित होता है और राय को अपना एक मंत्र देना शुरू जाता है, लेकिन फिर से वह खुद को एक साथ खींच लेते हैं और एक दूसरे की देखभाल करने का संकल्प लेते हैं। इसी के साथ मूवी का डी एंड हो जाता है। मूवी की स्टार्टिंग फिल्म में दो पात्रों पर केंद्रित करती है, लाजर रेड सैमुअल एल जैक्सन और एक गहरा धार्मिक किसान और पूर्व ब्लूज गिटारवादक और राय डूले क्रिटी रिकी एक युवा यौन व्यसनी। लाजर की पत्नी और उसके भाई के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था जिससे वह कड़वा और क्रोधित हो गया। राय के प्रेमी रोनी मॉर्गन ने जस्टिन डिब्लिट या 1960 वे फिल्म आर्टिकल ब्रिगेड टेंसली नेशनल गार्डन के साथ तैनाती के लिए रवाना होते हैं और उनकी अनुपस्थिति में वह संपलिता और नशीली दवाइयों के उपयोग के मुकाबले में शामिल होते हैं। राय की एक मुलाकात के दौरान रोनी का दोस्त गिल मार्टन यानी माइकल रैमटन जैमसन उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। वह उसकी प्रगति पर हंसती है और उसकी तुलना किसी अन्य पुरुष से करती है और वह उसे बुरी तरह पीटता है। उसे मरा हुआ मानते हुए गिल राय को छोड़ देता है और उसे केवल शर्ट और पैंटी पहनकर सड़क के किनारे छोड़ देता है और चला जाता है। लाजर अगली सुबह सड़क के बगल में राय को बेहोश पाता है और उसे वापस स्वास्थ्य के लिए नर्स करने के लिए घर लाता है। लाजर तैरोन यानी डेविड बैनर को देखने जाता है, वह व्यक्ति जिसने लाजर ने सोचा था कि उसे पीटा था और उसकी संपलिता के बारे में सीखता है। कई दिनों के दौरान राय बुखार से ग्रस्त कभी कभी जागता है और लाजर से भागने की कोशिश करता है। वह उसे भागने में रोकने के लिए उसे रेडिएटर में जंजीर में बांध देता है। राय की अपनी बुद्धि हासिल करने के बाद लाजर ने घोषणा की कि वह उसके पापी तरीकों से उसे ठीक करना उसका आध्यात्मिक कर्तव्य है। जब तक वह ऐसा नहीं करता तब तक उसे रिहा करने से इनकार कर देता है। राय भागने के कई प्रयास करता है, यहाँ तक कि वह किशोरी के साथ संक्षेप में यौन संबंध रखता है तो लाजर के खेत में मदद करता है। वह अंततः अपनी स्थिति को सहन करने के लिए आती है। लाजर उसे पहनने के लिए एक रूढ़िवादी पोशाक खरीदता है, उसके लिए गिटार बजाता है और उसके घर बनाकर खिलाता भी है। लाजर के पादरी और करीबी दोस्त आर एल जॉन कॉथ जूनियर लाजर के घर उसके घर जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि लाजर राय को कैद करके रखता है। पादरी लाजर के साथ तर्क करने की कोशिश करता है और समूह भोजन करता है। इस बीच रोनी अपनी गंभीर चिंता विकार के कारण नेशनल गार्ड के छुट्टी मिलने के बाद शहर लौट आता है। राय की तलाश करते हुए जो गायब हो गई वह गिल से मिलता है और उसे सूचित करता है कि राय जब भी शहर से बाहर होता है तो उसे धोखा देती है। रोनी गिल पर हमला करता है, उसका ट्रक चुराता है और राय की तलाश जारी रखता है।
सुबह में लाजर ने राय को मुक्त कर दिया, यह तय करते हुए कि उसके पास उस पर निर्णय पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। राय अपनी मर्जी से लाजर के साथ रहने का विकल्प चुनती है। उस रात एक आंधी के दौरान राय के अनुरोध पर लाजर उसके लिए ब्लाइंड लेमन जेफरसन द्वारा ब्लैक स्नेक मौन गीत गाया। बाद में राय और लाजर शहर की यात्रा करते हैं, जहाँ राय अपनी माँ किम रिचर्ड को अपनी माँ के साथी के हाथों यौन शोषण के बारे में बताते हैं। इस बीच लाजर के स्थानीय फार्मेसिस्ट एंसला एस अपाथा मार्कस के साथ एक नवोदित रोमांस बनाया था। वह स्थानीय बार में ब्लूज कॉस्टन बजाता है, जिसमें राय भाग लेता है। रोनी ने राय को देखा और लाजर के घर तक पीछा किया। वह एक पिस्तौल के साथ जोड़ी का सामना करता है, लेकिन लाजर उसे बताता है कि पादरी को बुलाता है। रोनी और राय तय करते हैं कि वे अलग होने से ज़्यादा मजबूत हैं और शादी कर लें। दूर जाते समय रोनी फिर से एक पैनिक अटैक से पीड़ित होता है और राय को अपना एक मंत्र देना शुरू जाता है, लेकिन फिर से वह खुद को एक साथ खींच लेते हैं और एक दूसरे की देखभाल करने का संकल्प लेते हैं। इसी के साथ मूवी का डी एंड हो जाता है। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो सैमुअल एल जैक्सन ने लार्जर ब्रैड का, क्रिस्टन रिची ने राव डॉली का, जस्टिन टिम्बर्स ने सोनिया मोर्गन का, जॉन कॉटन ने आरएल का, एलिजाबेथ मार्कस ने एंजेला का, डेविड बैनर ने टेमरोना का, किम रिचर्ड ने सैंडी डोले का, सन हाउस ने हिमसेल्फ का, निम के विल्सन ने निकोलस जेम्सन का, माइकल रैमंड जेम्सन ने गिल मॉर्टन का, अदरिय लेकंस ने रोज रोड्स का, लियोट थॉम्सन ने डेकवुड का, जेफ पॉफ ने बॉस्टन का, एमी लेवर्स ने जैसे का, एंड कैलेंट ग्रेंट ने कैल का, कार्ल स्कीप ने चार्ली का रोल प्ले किया है। फिल्म के लिए जैक्सन ने पूरे फिल्म के कई गानों के लिए ब्लूज गिटार बजाना सीखने के लिए आधे साल तक एक दिन में 6 या 7 घंटे बिताए। फिल्मांकन के दौरान रिकी ने वास्तविकता 40 पाउंड की चैन पहनी थी और बीमार दिखने के लिए केवल बिना पोषण मूल्य के खाद्य पदार्थ खाए। उसने एंटरटेनमेंट वीकली को बताया कि जब वह कैमरे में नहीं चल रहे थे तब वह कम पहने रहती थी। सैम, ऐसा होगा कुछ कपड़े पहना लो, मैं ऐसा था, नहीं तो तुम नहीं समझते, मैं कुछ महत्वपूर्ण काम कर रहा हूँ। क्रिस्टन रिकी ने कहा कि कठोर सेक्स दृश्य दर्दनाक थे, आंशिक रूप से क्योंकि उनकी साथी कलाकारों के साथ रेप। निर्माता डेविड बैनर ने अभिनय का कोई पिछला अनुभव नहीं था। बैनर के साथ एक दृश्य में रिकी ने कहा, मुझे आहत किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बलात्कार किया जा रहा हो, यह कठिन था, मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन यह सिर्फ डेव की गलती थी। फिल्म बहुत ही आकर्षक तरीके से शूट की गई। फिल्म में दिखाए जाने वाले सभी सीन लोगों को बहुत ही आश्चर्यचकित करते हैं और लोगों को रुलाते भी हैं। गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएँ। हम अपने अगली वीडियो के साथ जरूर हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है ब्लैक स्नेक मॉन। ये मूवी 23 फरवरी 2007 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। इस मूवी के निर्देशक क्रैग ब्यूफर हैं तथा यह मूवी स्लैश मार्नर पर आधारित है। इस मूवी को 78% गूगल यूजर द्वारा पसंद किया गया है। वहीं इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.9 out of 10 है। ब्लैक स्नेक मॉन एक 2006 की अमेरिकी ब्लैक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें क्रैग वेवर द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें सैमुअल एल जैक्सन, क्रिस्टिना रिकी और जस्टिन टिम्बरलेक ने अभिनय किया है। फिल्म एक मिसिपी ब्लूजमैन जैक्सन पर आधारित है, जो एक परेशान स्थानीय महिला रिकी को अपने घर में बंदी बनाकर रखती है, ताकि उसे सड़क के किनारे पूरी तरह से पीटे जाने के बाद उसके निफोनियमिया को ठीक करने की कोशिश की जा सके। इस मूवी के डायरेक्टर क्रिस ब्रेवर तथा राइटर भी क्रिस ब्रेवर हैं। इस मूवी के प्रोड्यूसर स्टीफियन आलियन और जॉन स्टीगलेटन हैं। इस मूवी के मेल लीड कैरेक्टर सैमुअल एल जैक्सन, क्रिस्टिना रिची, जस्टिन टाइम ब्लैकल एंड एस
एलिजाबेथ बैक्सन है। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी एमी विस्टर ने की है। वहीं इस मूवी को एडिट बिली फॉक्स द्वारा किया गया है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर स्कॉट बोमर हैं तथा इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी न्यू डील प्रोडक्शन साउथम कोर्स द डॉग प्रोडक्शन है। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट परमानाउंट वेंटेज ने किया है। वहीं इस मूवी को मुख्य तौर पर 9 दिसंबर 2006 को यूनाइटेड स्टेट में इंग्लिश भाषा में रिलीज किया गया। इस मूवी का टोटल बजट $15 मिलियन का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर केवल $10 मिलियन की ही कमाई करी। फिल्म का शीर्षक 1927 के ब्लाइड लेमन जैपसन गीत से लिया है। फिल्म मिसिपी ब्लूज आंदोलन के कई संदर्भों को आकर्षित करती है, विशेष रूप से इसके शीर्षक और साउंडट्रैक में। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी की स्टार्टिंग फिल्म में दो पात्रों पर केंद्रित करती है, लाजारेट सैमुअल एल जैक्सन और एक गैर धार्मिक किसान और पूर्व ब्लूज गिटारवादक और राय डूले क्रिटी रिक्की एक युवा यौन व्यसनी। लाजर की पत्नी और उसके भाई के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था जिससे वह कड़वा और क्रोधित हो गया। राय के प्रेमी रोनी मॉर्गन ने जस्टिन डिब्लेट या 1960 वे फिल्म आर्टिकल ब्रिगेड टेंसनी नेशनल गार्डन के साथ तैनाती के लिए रवाना होते हैं और उनकी अनुपस्थिति में वह संपलिता और नशीली दवाइयों के उपयोग के मुकाबले में शामिल होते हैं। राय की एक मुलाकात के दौरान रोनी का दोस्त गिल मार्टन यानी माइकल रैमटन जैमसन उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। वह उसकी प्रगति पर हंसती है और उसकी तुलना किसी अन्य पुरुष से करती है और वह उसे बुरी तरह पीटता है। उसे मरा हुआ मानते हुए गिल राय को छोड़ देता है और उसे केवल शर्ट और पैंटी पहनकर सड़क के किनारे छोड़ देता है चला जाता है। लाजर अगली सुबह सड़क के बगल में राय को बेहोश पाता है और उसे वापस स्वास्थ्य के लिए नर्स करने के लिए घर लाता है। लाजर तैरोन यानी डेविड बैनर को देखने जाता है, वह व्यक्ति जिसने लाजर ने सोचा था कि उसे पीटा था और उसकी संपलिता के बारे में सीखता है। कई दिनों के दौरान राय बुखार से ग्रस्त कभी कभी जागता है और लाजर से भागने की कोशिश करता है। वह उसे भागने में रोकने के लिए उसे रेडिएटर में जंजीर में बांध देता है। राय की अपनी बुद्धि हासिल करने के बाद लाजर ने घोषणा की कि वह उसके पापी तरीकों से उसे ठीक करना उसका आध्यात्मिक कर्तव्य है। जब तक वह ऐसा नहीं करता तब तक उसे रिहा करने से इनकार कर देता है। राय भागने के कई प्रयास करता है, यहाँ तक कि वह किशोरी के साथ संक्षेप में यौन संबंध रखता है तो लाजर के खेत में मदद करता है। वह अंततः अपनी स्थिति को सहन करने के लिए आती है। लाजर उसे पहनने के लिए एक रूढ़िवादी पोशाक खरीदता है, उसके लिए गिटार बजाता है और उसके घर बनाकर खिलाता भी है। लाजर के पादरी और करीबी दोस्त आर एल जॉन कॉस जूनियर लाजर के घर उसके घर जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि लाजर राय को कैद करके रखता है। पादरी लाजर के साथ तर्क करने की कोशिश करता है और समूह भोजन करता है। इस बीच रोनी अपनी गंभीर चिंता विकार के कारण नेशनल गार्ड के छुट्टी मिलने के बाद शहर लौट आता है। राय की तलाश करते हुए जो गायब हो गई वह गिल से मिलता है और उसे सूचित करता है कि राय जब भी शहर से बाहर होता है तो उसे धोखा देती है। रोनी गिल पर हमला करता है, उसका ट्रक चुराता है और राय की तलाश जारी रखता है। सुबह में लाजर ने राय को मुक्त कर दिया यह तय करते हुए कि उसके पास उस पर निर्णय पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। राय अपनी मर्जी से लाजर के साथ रहने का विकल्प चुनती है। उस रात एक आंधी के दौरान राय के अनुरोध पर लाजर उसके लिए ब्लाइंड लेमन जैफरन द्वारा ब्लैक स्नेक मौन गीत गाया। बाद में राय और लाजर शहर की यात्रा करते हैं जहां राय अपनी माँ किम रिचर्ड को अपनी माँ के साथी के हाथों यौन शोषण के बारे में बताते हैं। इस बीच लाजर के स्थानीय फार्मिस्ट एसला एस अपाथा मार्कस के साथ एक नवोदित रोमांस बनाया था। वह स्थानीय बार में ब्लूज कॉस्टन बजाता है।
जिसमें राय भाग लेता है। रोनी ने राय को देखा और लाजर के घर तक पीछा किया। वह एक पिस्तौल के साथ जोड़ी का सामना करता है, लेकिन लाजर उसे बताता है कि पादरी को बुलाता है। रोनी और राय तय करते हैं कि वे अलग होने से ज़्यादा मजबूत हैं और शादी कर लें। दूर जाते समय रोनी फिर से एक पैनिक अटैक से पीड़ित होता है और राय को अपना एक मंत्र देना शुरू जाता है, लेकिन फिर से वे खुद को एक साथ खींच लेते हैं और एक दूसरे की देखभाल करने का संकल्प लेते हैं। इसी के साथ मूवी का डी एंड हो जाता है। मूवी की स्टार्टिंग फिल्म में दो पात्रों पर केंद्रित करती है, लाजारेट सैमुअल एल जैक्सन और एक गहरा धार्मिक किसान और पूर्व ब्लूज गिटार वादक, और राय डूले क्रिटी रिक्की एक युवा यौन व्यसनी। लाजर की पत्नी और उसके भाई के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था जिससे वह कड़वा और क्रोधित हो गया। राय के प्रेमी रोनी मॉर्गन ने जस्टिन डिब्लेट या 1960 वे फिल आर्टिकली ब्रिगेड टेंसली नेशनल गार्डन के साथ तैनाती के लिए रवाना होते हैं और उनकी अनुपस्थिति में वह संपलिता और नशीली दवाइयों के उपयोग के मुकाबले में शामिल होते हैं। राय की एक मुलाकात के दौरान रोनी का दोस्त गिल मार्टन यानी माइकल रैमटन जैमसन उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। वह उसकी प्रगति पर हंसती है और उसकी तुलना किसी अन्य पुरुष से करती है और वह उसे बुरी तरह पीटता है। उसे मरा हुआ मानते हुए गिल राय को छोड़ देता है और उसे केवल शर्ट और पैंटी पहनकर सड़क के किनारे छोड़ देता है, चला जाता है। लाजर अगली सुबह सड़क के बगल में राय को बेहोश पाता है और उसे वापस स्वास्थ्य के लिए नर्स करने के लिए घर लाता है। लाजर तैरोन यानी डेविड बैनर को देखने जाता है, वह व्यक्ति जिसने लाजर ने सोचा था कि उसे पीटा था और उसकी संपलिता के बारे में सीखता है। कई दिनों के दौरान राय बुखार से ग्रस्त कभी कभी जागता है और लाजर से भागने की कोशिश करता है। वह उसे भागने में रोकने के लिए उसे रेडिएटर में जंजीर में बांध देता है। राय की अपनी बुद्धि हासिल करने के बाद लाजर ने घोषणा की कि वह उसके पापी तरीकों से उसे ठीक करना उसका आध्यात्मिक कर्तव्य है। जब तक वह ऐसा नहीं करता तब तक उसे रिहा करने से इनकार कर देता है। राय भागने के कई प्रयास करता है, यहाँ तक कि वह किशोरी के साथ संक्षेप में यौन संबंध रखता है तो लाजर के खेत में मदद करता है। वह अंततः अपनी स्थिति को सहन करने के लिए आती है। लाजर उसे पहनने के लिए एक रूढ़िवादी पोशाक खरीदता है, उसके लिए गिटार बजाता है और उसके घर बनाकर खिलाता भी है। लाजर के पादरी और करीबी दोस्त आर एल जॉन कॉथ जूनियर लाजर के घर उसके घर जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि लाजर राय को कैद करके रखता है। पादरी लाजर के साथ तर्क करने की कोशिश करता है और समूह भोजन करता है। इस बीच रोनी अपनी गंभीर चिंता विकार के कारण नेशनल गार्ड के छुट्टी मिलने के बाद शहर लौट आता है। राय की तलाश करते हुए जो गायब हो गई वह गिल से मिलता है और उसे सूचित करता है कि राय जब भी शहर से बाहर होता है तो उसे धोखा देती है। रोनी गिल पर हमला करता है, उसका ट्रक चुराता है और राय की तलाश जारी रखता है। सुबह में लाजर ने राय को मुक्त कर दिया, यह तय करते हुए कि उसके पास उस पर निर्णय पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। राय अपनी मर्जी से लाजर के साथ रहने का विकल्प चुनती है। उस रात एक आंधी के दौरान राय के अनुरोध पर लाजर उसके लिए ब्लाइंड लेमन जेफरसन द्वारा ब्लैक स्नेक मौन गीत गाया। बाद में राय और लाजर शहर की यात्रा करते हैं, जहाँ राय अपनी माँ किम रिचर्ड को अपनी माँ के साथी के हाथों यौन शोषण के बारे में बताते हैं। इस बीच लाजर के स्थानीय फार्मिस्ट एसला एस अपाथा मार्कस के साथ एक नवोदित रोमांस बनाया था। वह स्थानीय बार में ब्लूज कॉस्टन बजाता है जिसमें राय भाग लेता है। रोनी ने राय को देखा और लाजर के घर तक पीछा किया। वह एक पिस्तौल के साथ जोड़ी का सामना करता है, लेकिन लाजर उसे बताता है कि पादरी को बुलाता है। रोनी और राय तय करते हैं कि वे अलग होने से ज़्यादा मजबूत हैं और शादी कर लें। दूर जाते समय रोनी फिर से एक पैनिक अटैक से पीड़ित होता है और राय को अपना एक मंत्र देना शुरू जाता है, लेकिन फिर से वह खुद को एक
साथ खींच लेते हैं और एक दूसरे की देखभाल करने का संकल्प लेते हैं। इसी के साथ मूवी का डी एंड हो जाता है। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो सैमुअल एल जैक्सन ने लार्जेस बेरेट का, क्रिस्टन रिची ने राव डॉली का, जस्टिन टिम्बल ने सोनिया मोर्गन का, जॉन कॉटन ने आर एल का, एलिजाबेथ मार्कस ने एंजेला का, डेविड बैनर ने टैमरोना का, किम रिचर्ड ने सैंडे डोले का, सन हाउस ने हिमसेल्फ का, निम के विल्सन ने निकोलस जेम्सन का, माइकल रेमंड जेम्सन ने गिल मॉर्टन का, अदरिया लेकंस ने रोज रोड्स का, लियोट थॉम्सन ने डेकवुड का, जेफ पॉफ ने बॉस्टन का, एमी लेवर्स ने जैसे का, एंड कैलेंट ग्रेंट ने कैल का और कार्ल स्कीप ने चार्ली का रोल प्ले किया है। फिल्म के लिए जैक्सन ने पूरे फिल्म के कई गानों के लिए ब्लूज गिटार बजाना सीखने के लिए आधे साल तक एक दिन में 6 या 7 घंटे बिताए। फिल्मांकन के दौरान रिकी ने वास्तविकता 40 पाउंड की चैन पहनी थी और बीमार दिखने के लिए केवल बिना पोषण मूल्य के खाद्य पदार्थ खाए। उसने एंटरटेनमेंट वीकली को बताया कि जब वह कैमरे में नहीं चल रहे थे तब वह कम पहने रहती थी। सैम, ऐसा होगा कुछ कपड़े पहना लो, मैं ऐसा था, नहीं तो तुम नहीं समझते, मैं कुछ महत्वपूर्ण काम कर रहा हूँ। क्रिस्टन रिकी ने कहा कि कठोर सेक्स दृश्य दर्दनाक थे, आंशिक रूप से क्योंकि उनकी साथी कलाकारों के साथ रेप। निर्माता डेविड बैनर ने अभिनय का कोई पिछला अनुभव नहीं था। बैनर के साथ एक दृश्य में रिकी ने कहा, मुझे आहत किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बलात्कार किया जा रहा हो, यह कठिन था, मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन यह सिर्फ डेव की गलती थी। फिल्म बहुत ही आकर्षक तरीके से शूट की गई। फिल्म में दिखाए जाने वाले सभी सीन लोगों को बहुत ही आश्चर्यचकित करते हैं और लोगों को रुलाते भी हैं। गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपने अगली वीडियो के साथ जरूर हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है ब्लैक स्नेक मॉन। ये मूवी 23 फरवरी 2007 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। इस मूवी के निर्देशक क्रैग ब्यूफर हैं तथा यह मूवी स्लैश मार्नर पर आधारित है। इस मूवी को 78% गूगल यूजर द्वारा पसंद किया गया है। वहीं इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.9/10 है। ब्लैक स्नेक मून एक 2006 की अमेरिकी ब्लैक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें क्रैग वेवर द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें सैमुअल एल जैक्सन, क्रिस्टिना रिकी और जस्टिन टिम्बरलेक ने अभिनय किया है। फिल्म एक मिसिसिपी ब्लूजमैन जैक्सन पर आधारित है जो एक परेशान स्थानीय महिला रिकी को अपने घर में बंदी बनाकर रखती है ताकि उसे सड़क के किनारे पूरी तरह से पीटे जाने के बाद उसके निफोनियमिया को ठीक करने की कोशिश की जा सके। इस मूवी के डायरेक्टर क्रिस ब्रेवर तथा राइटर भी क्रिस ब्रेवर हैं। इस मूवी के प्रोड्यूसर स्टीफियन आलियन और जॉन स्टीलेटन हैं। इस मूवी के मेन लीड कैरेक्टर सैमुअल एल जैक्सन, क्रिस्टिना रिची, जस्टिन टिम्बरलेक एंड एस एलिजाबेथ मैक्सन है। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी एमी विस्टर ने की है। वहीं इस मूवी को एडिट बिली फॉक्स द्वारा किया गया है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर स्कॉट बोमर हैं तथा इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी न्यू डील प्रोडक्शन साउथम कोर्स द डॉग प्रोडक्शन है। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट परमानाउंट वेंटेज ने किया है। वहीं इस मूवी को मुख्य तौर पर 9 दिसंबर 2006 को यूनाइटेड स्टेट में इंग्लिश भाषा में रिलीज किया गया। इस मूवी का टोटल बजट $15 मिलियन का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर केवल $10 मिलियन की ही कमाई करी। फिल्म का शीर्षक 1927 के ब्लाइड लेमन जैक्सन गीत से लिया है। फिल्म मिसिसिपी ब्लूज आंदोलन के कई संदर्भों को आकर्षित करती है, विशेष रूप से इसके शीर्षक और साउंडट्रैक में। गाइस, एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी की स्टार्टिंग फिल्म में दो पत्रकारों पात्रों पर केंद्रित करती है।
लाजारेट सैमुअल एल जैक्सन और एक गहरा धार्मिक किसान और पूर्व ब्लूज गिटारवादक और राय डूले क्रिटी रिक्की एक युवा यौन व्यसनी। लाजर की पत्नी और उसके भाई के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था जिससे वह कड़वा और क्रोधित हो गया। राय के प्रेमी रोनी मॉर्गन ने जस्टिन डिब्लेट यानी 1960 वे फिल्म आर्टिकल ब्रिगेड टेंसनी नेशनल गार्डन के साथ तैनाती के लिए रवाना होते हैं और उनकी अनुपस्थिति में वह संपलिता और नशीली दवाइयों के उपयोग के मुकाबले में शामिल होते हैं। राय की एक मुलाकात के दौरान रोनी का दोस्त गिल मार्टन यानी माइकल रैमटन जैमसन उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। वह उसकी प्रगति पर हंसती है और उसकी तुलना किसी अन्य पुरुष से करती है और वह उसे बुरी तरह पीटता है। उसे मरा हुआ मानते हुए गिल राय को छोड़ देता है और उसे केवल शर्ट और पैंटी पहनकर सड़क के किनारे छोड़ देता है चला जाता है। लाजर अगली सुबह सड़क के बगल में राय को बेहोश पाता है और उसे वापस स्वास्थ्य के लिए नर्स करने के लिए घर लाता है। लाजर तैरोन यानी डेविड बैनर को देखने जाता है, वह व्यक्ति जिसने लाजर ने सोचा था कि उसे पीटा था और उसकी संपलिता के बारे में सीखता है। कई दिनों के दौरान राय बुखार से ग्रस्त कभी कभी जागता है और लाजर से भागने की कोशिश करता है। वह उसे भागने में रोकने के लिए उसे रेडिएटर में जंजीर में बांध देता है। राय की अपनी बुद्धि हासिल करने के बाद लाजर ने घोषणा की कि वह उसके पापी तरीकों से उसे ठीक करना उसका आध्यात्मिक कर्तव्य है। जब तक वह ऐसा नहीं करता तब तक उसे रिहा करने से इनकार कर देता है। राय भागने के कई प्रयास करता है, यहाँ तक कि वह किशोरी के साथ संक्षेप में यौन संबंध रखता है तो लाजर के खेत में मदद करता है। वह अंततः अपनी स्थिति को सहन करने के लिए आती है। लाजर उसे पहनने के लिए एक रूढ़िवादी पोशाक खरीदता है, उसके लिए गिटार बजाता है और उसके घर बनाकर खिलाता भी है। लाजर के पादरी और करीबी दोस्त आर एल जॉन कॉस्ट जूनियर लाजर के घर उसके घर जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि लाजर राय को कैद करके रखता है। पादरी लाजर के साथ तर्क करने की कोशिश करता है और समूह भोजन करता है। इस बीच रोनी अपनी गंभीर चिंता विकार के कारण नेशनल गार्ड के छुट्टी मिलने के बाद शहर लौट आता है। राय की तलाश करते हुए जो गायब हो गई वह गिल से मिलता है और उसे सूचित करता है कि राय जब भी शहर से बाहर होता है तो उसे धोखा देती है। रोनी गिल पर हमला करता है, उसका ट्रक चुराता है और राय की तलाश जारी रखता है। सुबह में लाजर ने राय को मुक्त कर दिया, यह तय करते हुए कि उसके पास उस पर निर्णय पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। राय अपनी मर्जी से लाजर के साथ रहने का विकल्प चुनती है। उस रात एक आंधी के दौरान राय के अनुरोध पर लाजर उसके लिए ब्लाइंड लेमन जेफरन द्वारा ब्लैक स्नेक मौन गीत गाया। बाद में राय और लाजर शहर की यात्रा करते हैं जहाँ राय अपनी माँ किम रिचर्ड को अपनी माँ के साथी के हाथों यौन शोषण के बारे में बताते हैं। इस बीच लाजर के स्थानीय फार्मिस्ट एसला एस अपाथा मार्कस के साथ एक नवोदित रोमांस बनाया था। वह स्थानीय बार में ब्लूज कॉस्टन बजाता है जिसमें राय भाग लेता है। रोनी ने राय को देखा और लाजर के घर तक पीछा किया। वह एक पिस्तौल के साथ जोड़ी का सामना करता है लेकिन लाजर उसे बताता है कि पादरी को बुलाता है। रोनी और राय तय करते हैं कि वे अलग होने से ज़्यादा मजबूत हैं और शादी कर लें। दूर जाते समय रोनी फिर से एक पैनिक अटैक से पीड़ित होता है और राय को अपना एक मंत्र देना शुरू जाता है, लेकिन फिर से वह खुद को एक साथ खींच लेते हैं और एक दूसरे की देखभाल करने का संकल्प लेते हैं। इसी के साथ मूवी का डी एंड हो जाता है। मूवी की स्टार्टिंग फिल्म में दो पात्रों पर केंद्रित करती है, लाजारेट सैमुअल एल जैक्सन और एक गहरा धार्मिक किसान और पूर्व ब्लूज गिटारवादक और राय डूले क्रिटी रिक्की एक युवा यौन व्यसनी। लाजर की पत्नी और उसके भाई के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था जिससे वह कड़वा और क्रोधित हो गया। राय के प्रेमी रोनी मॉर्गन ने जस्टिन डिब्लेट यानी 1960 वे फिल्म आर्टिकल ब्रिगेड टेंसनी नेशनल गार्डन के साथ तैनाती के लिए रवाना होते हैं
और उनकी अनुपस्थिति में वह संपलिता और नशीली दवाइयों के उपयोग के मुकाबले में शामिल होते हैं। राय की एक मुलाकात के दौरान रोनी का दोस्त गिल मार्टन यानी माइकल रैमटन जैमसन उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। वह उसकी प्रगति पर हंसती है और उसकी तुलना किसी अन्य पुरुष से करती है और वह उसे बुरी तरह पीटता है। उसे मरा हुआ मानते हुए गिल राय को छोड़ देता है और उसे केवल शर्ट और पैंटी पहनकर सड़क के किनारे छोड़ देता है चला जाता है। लाजर अगली सुबह सड़क के बगल में राय को बेहोश पाता है और उसे वापस स्वास्थ्य के लिए नर्स करने के लिए घर लाता है। लाजर तैरोन यानी डेविड बैनर को देखने जाता है, वह व्यक्ति जिसने लाजर ने सोचा था कि उसे पीटा था और उसकी संपलिता के बारे में सीखता है। कई दिनों के दौरान राय बुखार से ग्रस्त कभी कभी जागता है और लाजर से भागने की कोशिश करता है। वह उसे भागने में रोकने के लिए उसे रेडिएटर में जंजीर में बांध देता है। राय की अपनी बुद्धि हासिल करने के बाद लाजर ने घोषणा की कि वह उसके पापी तरीकों से उसे ठीक करना उसका आध्यात्मिक कर्तव्य है। जब तक वह ऐसा नहीं करता तब तक उसे रिहा करने से इनकार कर देता है। राय भागने के कई प्रयास करता है, यहाँ तक कि वह किशोरी के साथ संक्षेप में यौन संबंध रखता है तो लाजर के खेत में मदद करता है। वह अंततः अपनी स्थिति को सहन करने के लिए आती है। लाजर उसे पहनने के लिए एक रूढ़िवादी पोशाक खरीदता है, उसके लिए गिटार बजाता है और उसके घर बनाकर खिलाता भी है। लाजर के पादरी और करीबी दोस्त आर एल जॉन कॉस जूनियर लाजर के घर उसके घर जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि लाजर राय को कैद करके रखता है। पादरी लाजर के साथ तर्क करने की कोशिश करता है और समूह भोजन करता है। इस बीच रोनी अपनी गंभीर चिंता विकार के कारण नेशनल गार्ड के छुट्टी मिलने के बाद शहर लौट आता है। राय की तलाश करते हुए जो गायब हो गई वह गिल से मिलता है और उसे सूचित करता है कि राय जब भी शहर से बाहर होता है तो उसे धोखा देती है। रोनी गिल पर हमला करता है, उसका ट्रक चुराता है और राय की तलाश जारी रखता है। सुबह में लाजर ने राय को मुक्त कर दिया, यह तय करते हुए कि उसके पास उस पर निर्णय पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। राय अपनी मर्जी से लाजर के साथ रहने का विकल्प चुनती है। उस रात एक आंधी के दौरान राय के अनुरोध पर लाजर उसके लिए ब्लाइंड लेमन जेफरसन द्वारा ब्लैक स्नेक मौन गीत गाया। बाद में राय और लाजर शहर की यात्रा करते हैं जहाँ राय अपनी माँ किम रिचर्ड को अपनी माँ के साथी के हाथों यौन शोषण के बारे में बताते हैं। इस बीच लाजर के स्थानीय फार्मिस्ट एसला एस अपाथा मार्कस के साथ एक नवोदित रोमांस बनाया था। वह स्थानीय बार में ब्लूज कॉस्टन बजाता है जिसमें राय भाग लेता है। रोनी ने राय को देखा और लाजर के घर तक पीछा किया। वह एक पिस्तौल के साथ जोड़ी का सामना करता है लेकिन लाजर उसे बताता है कि पादरी को बुलाता है। रोनी और राय तय करते हैं कि वे अलग होने से ज़्यादा मजबूत हैं और शादी कर लें। दूर जाते समय रोनी फिर से एक पैनिक अटैक से पीड़ित होता है और राय को अपना एक मंत्र देना शुरू जाता है, लेकिन फिर से वह खुद को एक साथ खींच लेते हैं और एक दूसरे की देखभाल करने का संकल्प लेते हैं। इसी के साथ मूवी का डी एंड हो जाता है। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो सैमुअल एल जैक्सन ने लार्जेस्ट बेरेट का, क्रिस्टन रिची ने राव डॉली का, जस्टिन टिम्बर्क ने सोनिया मोर्गन का, जॉन कॉटन ने आर एल का, एलिजाबेथ मार्कस ने एंजेला का, डेविड बैनर ने टैमरोना का, किम रिचर्ड ने सैंडी डोले का, सन हाउस ने हिमसेल्फ का, निम के विल्सन ने निकोलस जेम्सन का, माइकल रैमंड जेम्सन ने गिल मॉर्टन का, अदरिया लेकंस ने रोज रोड्स का, लियोट थॉम्सन ने डेकवुड का, जेफ पॉफ ने बॉस्टन का, एमी लेवर्स ने जैसे का, एंड कैलेंट ग्रेंट ने कैल का और कार्ल स्कीप ने चार्ली का रोल प्ले किया है। फिल्म के लिए जैक्सन ने पूरे फिल्म के कई गानों के लिए ब्लूज गिटार बजाना सीखने के लिए आधे साल तक एक दिन में 6 या 7 घंटे बिताए। फिल्मांकन के दौरान रिकी ने वास्तविकता 40 पाउंड की चैन पहनी थी और बीमार दिखने के लिए केवल बिना पोषण मूल्य के खाद्य पदार्थ खाए। उसने एंटरटेनमेंट वीकली को बताया कि जब वह कैमरे में नहीं चल रहे थे तब
वह कम पहने रहती थी। सैम, ऐसा होगा कुछ कपड़े पहना लो। मैं ऐसा था। नहीं तो तुम नहीं समझते, मैं कुछ महत्वपूर्ण काम कर रहा हूँ। क्रिस्टन ने रिकी ने कहा कि कठोर सेक्स सदस्य दर्दनाक थे आंशिक रूप से क्योंकि उनकी साथी कलाकारों के साथ रेप। निर्माता डेविड बैनर ने अभिनय का कोई पिछला अनुभव नहीं था। बैनर के साथ एक दृश्य में रिकी ने कहा, मुझे आहत किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बलात्कार किया जा रहा हो। यह कठिन था, मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन यह सिर्फ डेव की गलती थी। फिल्म बहुत ही आकर्षक तरीके से शूट की गई। फिल्म में दिखाए जाने वाले सभी सीन लोगों को बहुत ही आश्चर्यचकित करते हैं और लोगों को रुलाते भी हैं। गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपने अगली वीडियो के साथ जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है ब्लैक स्नेक मॉन। ये मूवी 23 फरवरी 2007 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। इस मूवी के निर्देशक क्रैग ब्यूफर हैं तथा यह मूवी स्लैश मार्नर पर आधारित है। इस मूवी को 78% गूगल यूजर द्वारा पसंद किया गया है। वहीं इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.9/10 है। ब्लैक स्नेक मून एक 2006 की अमेरिकी ब्लैक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें क्रैग वेवर द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें सैमुअल एल जैक्सन, क्रिस्टिना रिकी और जस्टिन टिम्बरलेक ने अभिनय किया है। फिल्म एक मिसिपीय ब्लूजमैन जैक्सन पर आधारित है जो एक परेशान स्थानीय महिला रिकी को अपने घर में बंदी बनाकर रखती है ताकि उसे सड़क के किनारे पूरी तरह से पीटे जाने के बाद उसके निफोनियमिया को ठीक करने की कोशिश की जा सके। इस मूवी के डायरेक्टर क्रिस ब्रेवर तथा राइटर भी क्रिस ब्रेवर हैं। इस मूवी के प्रोड्यूसर स्टीफियन आलियन और जॉन स्टीगलेटन हैं। इस मूवी के मेन लीड कैरेक्टर सैमुअल एल जैक्सन, क्रिस्टिना रिची, जस्टिन टाइम्बर्लेक एंड एस एलिजाबेथ मैक्सन हैं। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी एमी विस्टर ने की है। वहीं इस मूवी को एडिट बिली फॉक्स द्वारा किया गया है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर स्कॉट बोमर हैं तथा इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी न्यू डील प्रोडक्शन साउथम कोर्स द डॉग प्रोडक्शन है। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट परमानाउंट वेंटेज ने किया है। वहीं इस मूवी को मुख्य तौर पर 9 दिसंबर 2006 को यूनाइटेड स्टेट में इंग्लिश भाषा में रिलीज किया गया। इस मूवी का टोटल बजट $15 मिलियन का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर केवल $10 मिलियन की ही कमाई करी। फिल्म का शीर्षक 1927 के ब्लाइड लेमन जैपसन गीत से लिया है। फिल्म मिसिपीय ब्लूज आंदोलन के कई संदर्भों को आकर्षित करती है, विशेष रूप से इसके शीर्षक और साउंड ट्रैक में। गाइस, एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी की स्टार्टिंग फिल्म में दो पात्रों पर केंद्रित करती है, लाजारेट सैमुअल एल जैक्सन और एक गहरा धार्मिक किसान और पूर्व ब्लूज गिटारवादक और राय डूले क्रिटी रिकी एक युवा यौन व्यसनी। लाजर की पत्नी और उसके भाई के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था जिससे वह कड़वा और क्रोधित हो गया। राय के प्रेमी रोनी मॉर्गन ने जस्टिन डिब्लेट या 1960 फिल्म आर्टिकल ब्रिगेड टेंसनी नेशनल गार्डन के साथ तैनाती के लिए रवाना होते हैं और उनकी अनुपस्थिति में वह संपलिता और नशीली दवाइयों के उपयोग के मुकाबले में शामिल होते हैं। राय की एक मुलाकात के दौरान रोनी का दोस्त गिल मार्टन यानी माइकल रैमटन जैमसन उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। वह उसकी प्रगति पर हंसती है और उसकी तुलना किसी अन्य पुरुष से करती है और वह उसे बुरी तरह पीटता है। उसे मरा हुआ मानते हुए गिल राय को छोड़ देता है और उसे केवल शर्ट और पैंटी पहनकर सड़क के किनारे छोड़ देता है, चला जाता है। लाजर अगली सुबह सड़क के बगल में राय को बेहोश पाता है और उसे वापस स्वास्थ्य के लिए नर्स करने के लिए घर लाता है।
लार्जर थेरोन यानी डेविड बैनर को देखने जाता है। वह व्यक्ति जिसने लार्जर ने सोचा था कि उसे पीटा था और उसकी संपूर्णता के बारे में सीखता है। कई दिनों के दौरान राय बुखार से ग्रस्त कभी कभी जागता है और लार्जर से भागने की कोशिश करता है। वह उसे भागने में रोकने के लिए उसे रेडिएटर में जंजीर में बांध देता है। राय की अपनी बुद्धि हासिल करने के बाद लार्जर ने घोषणा की कि वह उसके पापी तरीकों से उसे ठीक करना उसका आध्यात्मिक कर्तव्य है। जब तक वह ऐसा नहीं करता तब तक उसे रिहा करने से इनकार कर देता है। राय भागने के कई प्रयास करता है, यहाँ तक कि वह किशोरी के साथ संक्षेप में यौन संबंध रखता है तो लार्जर के खेत में मदद करता है। वह अंततः अपनी स्थिति को सहन करने के लिए आती है। लार्जर उसे पहनने के लिए एक रूढ़िवादी पोशाक खरीदता है, उसके लिए गिटार बजाता है और उसके घर बनाकर खिलाता भी है। लार्जर के पादरी और करीबी दोस्त आर एल जॉन कॉथ जूनियर लार्जर के घर उसके घर जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि लार्जर राय को कैद करके रखता है। पादरी लार्जर के साथ तर्क करने की कोशिश करता है और समूह भोजन करता है। इस बीच रोनी अपनी गंभीर चिंता विकार के कारण नेशनल गार्ड के छुट्टी मिलने के बाद शहर लौट आता है। राय की तलाश करते हुए जो गायब हो गई वह गिल से मिलता है और उसे सूचित करता है कि राय जब भी शहर से बाहर होता है तो उसे धोखा देती है। रोनी गिल पर हमला करता है, उसका ट्रक चुराता है और राय की तलाश जारी रखता है। सुबह में लार्जर ने राय को मुक्त कर दिया, यह तय करते हुए कि उसके पास उस पर निर्णय पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। राय अपनी मर्जी से लार्जर के साथ रहने का विकल्प चुनती है। उस रात एक आंधी के दौरान राय के अनुरोध पर लार्जर उसके लिए ब्लाइंड लेमन जेफरसन द्वारा ब्लैक स्नेक मौन गीत गाया। बाद में राय और लार्जर शहर की यात्रा करते हैं, जहाँ राय अपनी माँ किम रिचर्ड को अपनी माँ के साथी के हाथों यौन शोषण के बारे में बताते हैं। इस बीच लार्जर के स्थानीय फार्मिस्ट एसला एस अपाथा मार्कस के साथ एक नवोदित रोमांस बनाया था। वह स्थानीय बार में ब्लूज कॉस्टन बजाता है जिसमें राय भाग लेता है। रोनी ने राय को देखा और लार्जर के घर तक पीछा किया। वह एक पिस्तौल के साथ जोड़ी का सामना करता है लेकिन लार्जर उसे बताता है कि पादरी को बुलाता है। रोनी और राय तय करते हैं कि वे अलग होने से ज़्यादा मजबूत हैं और शादी कर लें। दूर जाते समय रोनी फिर से एक पैनिक अटैक से पीड़ित होता है और राय को अपना एक मंत्र देना शुरू जाता है, लेकिन फिर से वह खुद को एक साथ खींच लेते हैं और एक दूसरे की देखभाल करने का संकल्प लेते हैं। इसी के साथ मूवी का डी एंड हो जाता है। मूवी की स्टार्टिंग फिल्म में दो पात्रों पर केंद्रित करती है, लाजारेट सैमुअल एल जैक्सन और एक गहरा धार्मिक किसान और पूर्व ब्लूज गिटारवादक और राय डूले क्रिटी रिक्की एक युवा यौन व्यसनी। लार्जर की पत्नी और उसके भाई के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था जिससे वह कड़वा और क्रोधित हो गया। राय के प्रेमी रोनी मॉर्गन ने जस्टिन डिब्लिट यानी 1960 फिल्म आर्टिकली ब्रिगेड टेंसनी नेशनल गार्डन के साथ तैनाती के लिए रवाना होते हैं और उनकी अनुपस्थिति में वह संपलिता और नशीली दवाइयों के उपयोग के मुकाबले में शामिल होते हैं। राय की एक मुलाकात के दौरान रोनी का दोस्त गिल मार्टन यानी माइकल रैमटन जैमसन उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। वह उसकी प्रगति पर हंसती है और उसकी तुलना किसी अन्य पुरुष से करती है और वह उसे बुरी तरह पीटता है। उसे मरा हुआ मानते हुए गिल राय को छोड़ देता है और उसे केवल शर्ट और पैंटी पहनकर सड़क के किनारे छोड़ देता है चला जाता है। लार्जर अगली सुबह सड़क के बगल में राय को बेहोश पाता है और उसे वापस स्वास्थ्य के लिए नर्स करने के लिए घर लाता है। लार्जर थेरोन यानी डेविड बैनर को देखने जाता है। वह व्यक्ति जिसने लार्जर ने सोचा था कि उसे पीटा था और उसकी संपूर्णता के बारे में सीखता है। कई दिनों के दौरान राय बुखार से ग्रस्त कभी कभी जागता है और लार्जर से भागने की कोशिश करता है। वह उसे भागने में रोकने के लिए उसे रेडिएटर में जंजीर में बांध देता है। राय की अपनी बुद्धि हासिल करने के बाद
लाजर ने घोषणा की कि वह उसके पापी तरीकों से उसे ठीक करना उसका आध्यात्मिक कर्तव्य है। जब तक वह ऐसा नहीं करता तब तक उसे रिहा करने से इनकार कर देता है। राय भागने के कई प्रयास करता है, यहाँ तक कि वह किशोरी के साथ संक्षेप में यौन संबंध रखता है तो लाजर के खेत में मदद करता है। वह अंततः अपनी स्थिति को सहन करने के लिए आती है। लाजर उसे पहनने के लिए एक रूढ़िवादी पोशाक खरीदता है, उसके लिए गिटार बजाता है और उसके घर बनाकर खिलाता भी है। लाजर के पादरी और करीबी दोस्त आर एल जॉन कॉथ जूनियर लाजर के घर उसके घर जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि लाजर राय को कैद करके रखता है। पादरी लाजर के साथ तर्क करने की कोशिश करता है और समूह भोजन करता है। इस बीच रोनी अपनी गंभीर चिंता विकार के कारण नेशनल गार्ड के छुट्टी मिलने के बाद शहर लौट आता है। राय की तलाश करते हुए जो गायब हो गई वह गिल से मिलता है और उसे सूचित करता है कि राय जब भी शहर से बाहर होता है तो उसे धोखा देती है। रोनी गिल पर हमला करता है, उसका ट्रक चुराता है और राय की तलाश जारी रखता है। सुबह में लाजर ने राय को मुक्त कर दिया, यह तय करते हुए कि उसके पास उस पर निर्णय पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। राय अपनी मर्जी से लाजर के साथ रहने का विकल्प चुनती है। उस रात एक आंधी के दौरान राय के अनुरोध पर लाजर उसके लिए ब्लाइंड लेमन जेफरसन द्वारा ब्लैक स्नेक मौन गीत गाया। बाद में राय और लाजर शहर की यात्रा करते हैं, जहाँ राय अपनी माँ किम रिचर्ड को अपनी माँ के साथी के हाथों यौन शोषण के बारे में बताते हैं। इस बीच लाजर के स्थानीय फार्मेसिस्ट एंसला एस अपाथा मार्कस के साथ एक नवोदित रोमांस बनाया था। वह स्थानीय बार में ब्लूज कॉस्टन बजाता है जिसमें राय भाग लेता है। रोनी ने राय को देखा और लाजर के घर तक पीछा किया। वह एक पिस्तौल के साथ जोड़ी का सामना करता है, लेकिन लाजर उसे बताता है कि पादरी को बुलाता है। रोनी और राय तय करते हैं कि वे अलग होने से ज़्यादा मजबूत हैं और शादी कर लें। दूर जाते समय रोनी फिर से एक पैनिक अटैक से पीड़ित होता है और राय को अपना एक मंत्र देना शुरू जाता है, लेकिन फिर से वह खुद को एक साथ खींच लेते हैं और एक दूसरे की देखभाल करने का संकल्प लेते हैं। इसी के साथ मूवी का डी एंड हो जाता है। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो सैमुअल एल जैक्सन ने लार्जर बेरेट का, क्रिस्टन रिची ने राव डॉली का, जस्टिन टिम्बर्क ने सोनिया मोर्गन का, जॉन कॉटन ने आर एल का, एलिजाबेथ मार्कस ने एंजेला का, डेविड बैनर ने टैमरोना का, किम रिचर्ड ने सैंडी डोले का, सन हाउस ने हिमसेल्फ का, निम के विल्सन ने निकोलस जेम्सन का, माइकल रेमंड जेम्सन ने गिल मॉर्टन का, अदरिया लेकंस ने रोज रोड्स का, लियोट थॉम्सन ने डेकवुड का, जेफ पॉफ ने बॉस्टन का, एमी लेवर्स ने जैसे का, एंड कैलेंट ग्रेंट ने कैल का और कार्ल स्कीप ने चार्ली का रोल प्ले किया है। फिल्म के लिए जैक्सन ने पूरे फिल्म के कई गानों के लिए ब्लूज गिटार बजाना सीखने के लिए आधे साल तक एक दिन में 6 या 7 घंटे बिताए। फिल्मांकन के दौरान रिकी ने वास्तविकता 40 पाउंड की चैन पहनी थी और बीमार दिखने के लिए केवल बिना पोषण मूल्य के खाद्य पदार्थ खाए। उसने एंटरटेनमेंट वीकली को बताया कि जब वह कैमरे में नहीं चल रहे थे तब वह कम पहने रहती थी। सैम ऐसा होगा, कुछ कपड़े पहना लो, मैं ऐसा था, नहीं तो तुम नहीं समझते, मैं कुछ महत्वपूर्ण काम कर रहा हूँ। क्रिस्टन रिकी ने कहा कि कठोर सेक्स दृश्य दर्दनाक थे, आंशिक रूप से क्योंकि उनकी साथी कलाकारों के साथ रेप निर्माता डेविड बैनर ने अभिनय का कोई पिछला अनुभव नहीं था। बैनर के साथ एक दृश्य में रिकी ने कहा, मुझे आहत किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बलात्कार किया जा रहा हो, यह कठिन था, मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन यह सब डेव की गलती थी। फिल्म बहुत ही आकर्षक तरीके से शूट की गई। फिल्म में दिखाए जाने वाले सभी सीन लोगों को बहुत ही आश्चर्यचकित करते हैं और लोगों को रुलाते भी हैं। गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपने अगली वीडियो के साथ जरूर हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग।
तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है ब्लैक स्नेक मॉन। ये मूवी 23 फरवरी 2007 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। इस मूवी के निर्देशक क्रैग ब्यूफर हैं तथा यह मूवी स्लैश मार्नर पर आधारित है। इस मूवी को 78% गूगल यूजर द्वारा पसंद किया गया है। वहीं इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.9/10 है। ब्लैक स्नेक मून एक 2006 की अमेरिकी ब्लैक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें क्रैग वेवर द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें सैमुअल एल जैक्सन, क्रिस्टिना रिकी और जस्टिन टिम्बरलेक ने अभिनय किया है। फिल्म एक मिसिपी ब्लूजमैन जैक्सन पर आधारित है जो एक परेशान स्थानीय महिला रिकी को अपने घर में बंदी बनाकर रखती है ताकि उसे सड़क के किनारे पूरी तरह से पीटे जाने के बाद उसके निफोनियमिया को ठीक करने की कोशिश की जा सके। इस मूवी के डायरेक्टर क्रिस ब्रेवर तथा राइटर भी क्रिस ब्रेवर हैं। इस मूवी के प्रोड्यूसर स्टीफियन आलियन और जॉन स्टीगलेटन हैं। इस मूवी के मेल लीड कैरेक्टर सैमुअल एल जैक्सन, क्रिस्टिना रिची, जस्टिन टाइमब्लेकल एंड एस एलिजाबेथ मैक्सन हैं। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी एमी विस्टर ने की है। वहीं इस मूवी को एडिट बिली फॉक्स द्वारा किया गया है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर स्कॉट बोमर हैं तथा इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी न्यू डील प्रोडक्शन साउथम कोर्स द डॉग प्रोडक्शन है। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट परमानाउंट वेंटेज ने किया है। वहीं इस मूवी को मुख्य तौर पर 9 दिसंबर 2006 को यूनाइटेड स्टेट में इंग्लिश भाषा में रिलीज किया गया। इस मूवी का टोटल बजट $15 मिलियन का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर केवल $10 मिलियन की ही कमाई करी। फिल्म का शीर्षक 1927 के ब्लाइड लेमन जैप्सन गीत से लिया है। फिल्म मिसिपी ब्लूज आंदोलन के कई संदर्भों को आकर्षित करती है, विशेष रूप से इसके शीर्षक और साउंड ट्रैक में। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी की स्टार्टिंग फिल्म में दो पात्रों पर केंद्रित करती है, लाजारेट सैमुअल एल जैक्सन और एक गहरा धार्मिक किसान और पूर्व ब्लूज गिटारवादक और राय डूले क्रिटी रिकी एक युवा यौन व्यसनी। लाजर की पत्नी और उसके भाई के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था जिससे वह कड़वा और क्रोधित हो गया। राय के प्रेमी रोनी मॉर्गन ने जस्टिन डिब्लेट या 1960 वे फील्ड आर्टिकली ब्रिगेड टेंसनी नेशनल गार्डन के साथ तैनाती के लिए रवाना होते हैं और उनकी अनुपस्थिति में वह संपलिता और नशीली दवाइयों के उपयोग के मुकाबले में शामिल होते हैं। राय की एक मुलाकात के दौरान रोनी का दोस्त गिल मार्टन यानी माइकल रैमटन जैमसन उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। वह उसकी प्रगति पर हंसती है और उसकी तुलना किसी अन्य पुरुष से करती है और वह उसे बुरी तरह पीटता है। उसे मरा हुआ मानते हुए गिल राय को छोड़ देता है और उसे केवल शर्ट और पैंटी पहनकर सड़क के किनारे छोड़ देता है चला जाता है। लाजर अगली सुबह सड़क के बगल में राय को बेहोश पाता है और उसे वापस स्वास्थ्य के लिए नर्स करने के लिए घर लाता है। लाजर तैरोन यानी डेविड बैनर को देखने जाता है, वह व्यक्ति जिसने लाजर ने सोचा था कि उसे पीटा था और उसकी संपलिता के बारे में सीखता है। कई दिनों के दौरान राय बुखार से ग्रस्त कभी कभी जागता है और लाजर से भागने की कोशिश करता है। वह उसे भागने में रोकने के लिए उसे रेडिएटर में जंजीर में बांध देता है। राय की अपनी बुद्धि हासिल करने के बाद लाजर ने घोषणा की कि वह उसके पापी तरीकों से उसे ठीक करना उसका आध्यात्मिक कर्तव्य है। जब तक वह ऐसा नहीं करता तब तक उसे रिहा करने से इनकार कर देता है। राय भागने के कई प्रयास करता है, यहाँ तक कि वह किशोरी के साथ संक्षेप में यौन संबंध रखता है तो लाजर के खेत में मदद करता है। वह अंततः अपनी स्थिति को सहन करने के लिए आती है। लाजर उसे पहनने के लिए एक रूढ़िवादी पोशाक खरीदता है, उसके लिए गिटार बजाता है और उसके घर बनाकर खिलाता भी है। लाजर के पादरी और करीबी दोस्त आर एल
जॉन कॉथ जूनियर लाजर के घर उसके घर जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि लाजर राय को कैद करके रखता है। पादरी लाजर के साथ तर्क करने की कोशिश करता है और समूह भोजन करता है। इस बीच रोनी अपनी गंभीर चिंता विकार के कारण नेशनल गार्ड के छुट्टी मिलने के बाद शहर लौट आता है। राय की तलाश करते हुए जो गायब हो गई वह गिल से मिलता है और उसे सूचित करता है कि राय जब भी शहर से बाहर होता है तो उसे धोखा देती है। रोनी गिल पर हमला करता है, उसका ट्रक चुराता है और राय की तलाश जारी रखता है। सुबह में लाजर ने राय को मुक्त कर दिया, यह तय करते हुए कि उसके पास उस पर निर्णय पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। राय अपनी मर्जी से लाजर के साथ रहने का विकल्प चुनती है। उस रात एक आंधी के दौरान राय के अनुरोध पर लाजर उसके लिए ब्लाइंड लेमन जेफरन द्वारा ब्लैक स्नेक मौन गीत गाया। बाद में राय और लाजर शहर की यात्रा करते हैं, जहाँ राय अपनी माँ किम रिचर्ड को अपनी माँ के साथी के हाथों यौन शोषण के बारे में बताते हैं। इस बीच लाजर के स्थानीय फार्मेसिस्ट एसला एस अपाथा मार्कस के साथ एक नवोदित रोमांस बनाया था। वह स्थानीय बार में ब्लूज कॉस्टन बजाता है जिसमें राय भाग लेता है। रोनी ने राय को देखा और लाजर के घर तक पीछा किया। वह एक पिस्तौल के साथ जोड़ी का सामना करता है, लेकिन लाजर उसे बताता है कि पादरी को बुलाता है। रोनी और राय तय करते हैं कि वे अलग होने से ज़्यादा मजबूत हैं और शादी कर लें। दूर जाते समय रोनी फिर से एक पैनिक अटैक से पीड़ित होता है और राय को अपना एक मंत्र देना शुरू जाता है, लेकिन फिर से वह खुद को एक साथ खींच लेते हैं और एक दूसरे की देखभाल करने का संकल्प लेते हैं। इसी के साथ मूवी का डी एंड हो जाता है। मूवी की स्टार्टिंग फिल्म में दो पात्रों पर केंद्रित करती है, लाजारेट सैमुअल एल जैक्सन और एक गहरा धार्मिक किसान और पूर्व ब्लूज गिटारवादक और राय डूले क्रिटी रिक्की एक युवा यौन व्यसनी। लाजर की पत्नी और उसके भाई के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था जिससे वह कड़वा और क्रोधित हो गया। राय के प्रेमी रोनी मॉर्गन ने जस्टिन डिब्लेट या 1960 वे फिल्म आर्टिकल ब्रिगेड टेंसनी नेशनल गार्डन के साथ तैनाती के लिए रवाना होते हैं और उनकी अनुपस्थिति में वह संपलिता और नशीली दवाइयों के उपयोग के मुकाबले में शामिल होते हैं। राय की एक मुलाकात के दौरान रोनी का दोस्त गिल मार्टन यानी माइकल रैमटन जैमसन उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। वह उसकी प्रगति पर हंसती है और उसकी तुलना किसी अन्य पुरुष से करती है और वह उसे बुरी तरह पीटता है। उसे मरा हुआ मानते हुए गिल राय को छोड़ देता है और उसे केवल शर्ट और पैंटी पहनकर सड़क के किनारे छोड़ देता है चला जाता है। लाजर अगली सुबह सड़क के बगल में राय को बेहोश पाता है और उसे वापस स्वास्थ्य के लिए नर्स करने के लिए घर लाता है। लाजर तैरोन यानी डेविड बैनर को देखने जाता है, वह व्यक्ति जिसने लाजर ने सोचा था कि उसे पीटा था और उसकी संपलिता के बारे में सीखता है। कई दिनों के दौरान राय बुखार से ग्रस कभी कभी जागता है और लाजर से भागने की कोशिश करता है। वह उसे भागने में रोकने के लिए उसे रेडिएटर में जंजीर में बांध देता है। राय की अपनी बुद्धि हासिल करने के बाद लाजर ने घोषणा की कि वह उसके पापी तरीकों से उसे ठीक करना उसका आध्यात्मिक कर्तव्य है। जब तक वह ऐसा नहीं करता तब तक उसे रिहा करने से इनकार कर देता है। राय भागने के कई प्रयास करता है, यहाँ तक कि वह किशोरी के साथ संक्षेप में यौन संबंध रखता है तो लाजर के खेत में मदद करता है। वह अंततः अपनी स्थिति को सहन करने के लिए आती है। लाजर उसे पहनने के लिए एक रूढ़िवादी पोशाक खरीदता है, उसके लिए गिटार बजाता है और उसके घर बनाकर खिलाता भी है। लाजर के पादरी और करीबी दोस्त आर एल जॉन कॉथ जूनियर लाजर के घर उसके घर जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि लाजर राय को कैद करके रखता है। पादरी लाजर के साथ तर्क करने की कोशिश करता है और समूह भोजन करता है। इस बीच रोनी अपनी गंभीर चिंता विकार के कारण नेशनल गार्ड के छुट्टी मिलने के बाद शहर लौट आता है। राय की तलाश करते हुए जो गायब हो गई वह गिल से मिलता है और उसे सूचित करता है कि राय
जब भी शहर से बाहर होता है तो उसे धोखा देती है। रॉनी गिल पर हमला करता है, उसका ट्रक चुराता है और राय की तलाश जारी रखता है। सुबह में लाजर ने राय को मुक्त कर दिया, यह तय करते हुए कि उसके पास उस पर निर्णय पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। राय अपनी मर्जी से लाजर के साथ रहने का विकल्प चुनती है। उस रात एक आंधी के दौरान राय के अनुरोध पर लाजर उसके लिए ब्लाइंड लेमन जेफरन द्वारा ब्लैक स्नेक मौन गीत गाया। बाद में राय और लाजर शहर की यात्रा करते हैं, जहाँ राय अपनी माँ किम रिचर्ड को अपनी माँ के साथी के हाथों यौन शोषण के बारे में बताते हैं। इस बीच लाजर के स्थानीय फार्मिस्ट एंसला एस अपाथा मार्कस के साथ एक नवोदित रोमांस बनाया था। वह स्थानीय बार में ब्लूज कॉस्टन बजाता है, जिसमें राय भाग लेता है। रोनी ने राय को देखा और लाजर के घर तक पीछा किया। वह एक पिस्तौल के साथ जोड़ी का सामना करता है, लेकिन लाजर उसे बताता है कि पादरी को बुलाता है। रोनी और राय तय करते हैं कि वे अलग होने से ज़्यादा मजबूत हैं और शादी कर लें। दूर जाते समय रोनी फिर से एक पैनिक अटैक से पीड़ित होता है और राय को अपना एक मंत्र देना शुरू जाता है, लेकिन फिर से वे खुद को एक साथ खींच लेते हैं और एक दूसरे की देखभाल करने का संकल्प लेते हैं। इसी के साथ मूवी का डी एंड हो जाता है। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो सैमुअल एल जैक्सन ने लार्जेस्ट बेरेट का, क्रिस्टन रिची ने राव डॉली का, जस्टिन टिम्बर्स ने सोनिया मॉर्गन का, जॉन कॉटन ने आरएल का, एलिजाबेथ मार्कस ने एंजेला का, डेविड बैनर ने टेमरोना का, किम रिचर्ड ने सैंडी डोले का, सन हाउस ने हिमसेल्फ का, निमके विल्सन ने निकोलस जेम्सन का, माइकल रैमंड जेम्सन ने गिल मॉर्टन का, अदरिया लेकंस ने रोज रोड्स का, लियोट थॉम्सन ने डेकवुड का, जेफ पॉफ ने बॉस्टन का, एमी लेवर्स ने जैसे का, एंकलेट ग्रेंट ने कैल का, कार्लिस स्कीप ने चार्ली का रोल प्ले किया है। फिल्म के लिए जैक्सन ने पूरे फिल्म के कई गानों के लिए ब्लूज गिटार बजाना सीखने के लिए आधे साल तक एक दिन में 6 या 7 घंटे बिताए। फिल्मांकन के दौरान रिकी ने वास्तविकता 40 पाउंड की चैन पहनी थी और बीमार दिखने के लिए केवल बिना पोषण मूल्य के खाद्य पदार्थ खाए। उसने एंटरटेनमेंट वीकली को बताया कि जब वह कैमरे में नहीं चल रहे थे तब वह कम पहने रहती थी। सैम, ऐसा होगा कुछ कपड़े पहना लो। मैं ऐसा था, नहीं तो तुम नहीं समझते, मैं कुछ महत्वपूर्ण काम कर रहा हूँ। क्रिस्टन रिकी ने कहा कि कठोर सेक्स दृश्य दर्दनाक थे, आंशिक रूप से क्योंकि उनकी साथी कलाकारों के साथ रेप। निर्माता डेविड बैनर ने अभिनय का कोई पिछला अनुभव नहीं था। बैनर के साथ एक दृश्य में रिकी ने कहा, मुझे आहत किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बलात्कार किया जा रहा हो। यह कठिन था, मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन यह सिर्फ डेव की गलती थी। फिल्म बहुत ही आकर्षक तरीके से शूट की गई। फिल्म में दिखाए जाने वाले सभी सीन लोगों को बहुत ही आश्चर्यचकित करते हैं और लोगों को रुलाते भी हैं। गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपने अगली वीडियो के साथ जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है ब्लैक स्नेक मॉन। ये मूवी 23 फरवरी 2007 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। इस मूवी के निर्देशक क्रैग ब्यूफर हैं तथा ये मूवी स्लैश मार्नर पर आधारित है। इस मूवी को 78% गूगल यूजर द्वारा पसंद किया गया है। वहीं इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.9 out of 10 है। ब्लैक स्नेक मून एक 2006 की अमेरिकी ब्लैक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें क्रैग वेवर द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें सैमुअल एल जैक्सन, क्रिस्टीना रिकी और जस्टिन टिम्बरलेक ने अभिनय किया है। फिल्म एक मिसिपीय ब्लूजमैन जैक्सन पर आधारित है, जो एक परेशान स्थानीय महिला रिकी को अपने घर में बंदी बनाकर रखती है, ताकि उसे सड़क के किनारे पूरी तरह से पीटे जाने के बाद उसके निफोनियमिया को ठीक करने की कोशिश की जा सके। इस मूवी के डायरेक्टर क्रिस ब्रेवर तथा राइटर भी क्रिस ब्रेवर हैं। इस मूवी के प्रोड्यूसर स्टीफियन आलियन और जॉन
स्टीलेटन है। इस मूवी के मेल लीड कैरेक्टर सैमुअल एल जैक्सन, क्रिस्टीना हरिची, जस्टिन टाइमलेकल एंड एस एलिजाबेथ मैक्सन है। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी एमी विस्टर ने की है। वहीं इस मूवी को एडिट बिली फॉक्स द्वारा किया गया है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर स्कॉट बोमर हैं तथा इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी न्यू डील प्रोडक्शन साउथम कोर्स द डॉग प्रोडक्शन है। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट परमानाउंट वेंटेज ने किया है। वहीं इस मूवी को मुख्य तौर पर 9 दिसंबर 2006 को यूनाइटेड स्टेट में इंग्लिश भाषा में रिलीज किया गया। इस मूवी का टोटल बजट $15 मिलियन का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर केवल $10 मिलियन की ही कमाई करी। फिल्म का शीर्षक 1927 के ब्लाइड लेमन जैप्सन गीत से लिया है। फिल्म मिसिपी ब्लूज आंदोलन के कई संदर्भों को आकर्षित करती है, विशेष रूप से इसके शीर्षक और साउंडट्रैक में। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी की स्टार्टिंग फिल्म में दो पात्रों पर केंद्रित करती है, लाजारेट सैमुअल एल जैक्सन और एक गहरा धार्मिक किसान और पूर्व ब्लूज गिटार वादक और राय डूले क्रिटी रिक्की एक युवा यौन व्यसनी। लाजर की पत्नी और उसके भाई के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था जिससे वह कड़वा और क्रोधित हो गया। राय के प्रेमी रोनी मॉर्गन ने जस्टिन डिब्लेट यानी 1960 फिल्म आर्टिकली ब्रिगेड टेंसनी नेशनल गार्डन के साथ तैनाती के लिए रवाना होते हैं और उनकी अनुपस्थिति में वह संपलिता और नशीली दवाइयों के उपयोग के मुकाबले में शामिल होते हैं। राय की एक मुलाकात के दौरान रोनी का दोस्त गिल मार्टन यानी माइकल रैमटन जैमसन उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। वह उसकी प्रगति पर हंसती है और उसकी तुलना किसी अन्य पुरुष से करती है और वह उसे बुरी तरह पीटता है। उसे मरा हुआ मानते हुए गिल राय को छोड़ देता है और उसे केवल शर्ट और पैंटी पहनकर सड़क के किनारे छोड़ देता है चला जाता है। लाजर अगली सुबह सड़क के बगल में राय को बेहोश पाता है और उसे वापस स्वास्थ्य के लिए नर्स करने के लिए घर लाता है। लाजर तैरोन यानी डेविड बैनर को देखने जाता है, वह व्यक्ति जिसने लाजर ने सोचा था कि उसे पीटा था और उसकी संपलिता के बारे में सीखता है। कई दिनों के दौरान राय बुखार से ग्रस्त कभी कभी जागता है और लाजर से भागने की कोशिश करता है। वह उसे भागने में रोकने के लिए उसे रेडिएटर में जंजीर में बांध देता है। राय की अपनी बुद्धि हासिल करने के बाद लाजर ने घोषणा की कि वह उसके पापी तरीकों से उसे ठीक करना उसका आध्यात्मिक कर्तव्य है। जब तक वह ऐसा नहीं करता तब तक उसे रिहा करने से इनकार कर देता है। राय भागने के कई प्रयास करता है, यहाँ तक कि वह किशोरी के साथ संक्षेप में यौन संबंध रखता है तो लाजर के खेत में मदद करता है। वह अंततः अपनी स्थिति को सहन करने के लिए आती है। लाजर उसे पहनने के लिए एक रूढ़िवादी पोशाक खरीदता है, उसके लिए गिटार बजाता है और उसके घर बनाकर खिलाता भी है। लाजर के पादरी और करीबी दोस्त आर एल जॉन कॉस जूनियर लाजर के घर उसके घर जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि लाजर राय को कैद करके रखता है। पादरी लाजर के साथ तर्क करने की कोशिश करता है और समूह भोजन करता है। इस बीच रोनी अपनी गंभीर चिंता विकार के कारण नेशनल गार्ड के छुट्टी मिलने के बाद शहर लौट आता है। राय की तलाश करते हुए जो गायब हो गई वह गिल से मिलता है और उसे सूचित करता है कि राय जब भी शहर से बाहर होता है तो उसे धोखा देती है। रोनी गिल पर हमला करता है, उसका ट्रक चुराता है और राय की तलाश जारी रखता है। सुबह में लाजर ने राय को मुक्त कर दिया, यह तय करते हुए कि उसके पास उस पर निर्णय पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। राय अपनी मर्जी से लाजर के साथ रहने का विकल्प चुनती है। उस रात एक आंधी के दौरान राय के अनुरोध पर लाजर उसके लिए ब्लाइंड लेमन जैफ्रन द्वारा ब्लैक स्नेक मौन गीत गाया। बाद में राय और लाजर शहर की यात्रा करते हैं जहां राय अपनी माँ किम रिचर्ड को अपनी माँ के साथी के हाथों यौन शोषण के बारे में बताते हैं।
इस बीच लाजा के स्थानीय फार्मेसिस्ट एस्ला एस अपाथा मार्कस के साथ एक नवोदित रोमांस बनाया था। वह स्थानीय बार में ब्लूज कॉस्टन बजाता है जिसमें राय भाग लेता है। रोनी ने राय को देखा और लाजर के घर तक पीछा किया। वह एक पिस्तौल के साथ जोड़ी का सामना करता है लेकिन लाजर उसे बताता है कि पादरी को बुलाता है। रोनी और राय तय करते हैं कि वह अलग होने से ज़्यादा मजबूत हैं और शादी कर लें। दूर जाते समय रोनी फिर से एक पैनिक अटैक से पीड़ित होता है और राय को अपना एक मंत्र देना शुरू जाता है, लेकिन फिर से वह खुद को एक साथ खींच लेते हैं और एक दूसरे की देखभाल करने का संकल्प लेते हैं। इसी के साथ मूवी का डी एंड हो जाता है। मूवी की स्टार्टिंग फिल्म में दो पात्रों पर केंद्रित करती है, लाजारेट सैमुअल एल जैक्सन और एक गहरा धार्मिक किसान और पूर्व ब्लूज गिटारवादक और राय डूले क्रिटी रिक्की एक युवा यौन व्यसनी। लाजर की पत्नी और उसके भाई के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था जिससे वह कड़वा और क्रोधित हो गया। राय के प्रेमी रोनी मॉर्गन ने जस्टिन डिब्लेट या 1960 वे फिल्म आर्टिकल ब्रिगेड टेंसनी नेशनल गार्डन के साथ तैनाती के लिए रवाना होते हैं और उनकी अनुपस्थिति में वह संपलिता और नशीली दवाइयों के उपयोग के मुकाबले में शामिल होते हैं। राय की एक मुलाकात के दौरान रोनी का दोस्त गिल मार्टन यानी माइकल रैमटन जैमसन उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। वह उसकी प्रगति पर हंसती है और उसकी तुलना किसी अन्य पुरुष से करती है और वह उसे बुरी तरह पीटता है। उसे मरा हुआ मानते हुए गिल राय को छोड़ देता है और उसे केवल शर्ट और पैंटी पहनकर सड़क के किनारे छोड़ देता है और चला जाता है। लाजर अगली सुबह सड़क के बगल में राय को बेहोश पाता है और उसे वापस स्वास्थ्य के लिए नर्स करने के लिए घर लाता है। लाजर तैरोन यानी डेविड बैनर को देखने जाता है, वह व्यक्ति जिसने लाजर ने सोचा था कि उसे पीटा था और उसकी संपलिता के बारे में सीखता है। कई दिनों के दौरान राय बुखार से ग्रस्त कभी कभी जागता है और लाजर से भागने की कोशिश करता है। वह उसे भागने में रोकने के लिए उसे रेडिएटर में जंजीर में बांध देता है। राय की अपनी बुद्धि हासिल करने के बाद लाजर ने घोषणा की कि वह उसके पापी तरीकों से उसे ठीक करना उसका आध्यात्मिक कर्तव्य है। जब तक वह ऐसा नहीं करता तब तक उसे रिहा करने से इनकार कर देता है। राय भागने के कई प्रयास करता है, यहाँ तक कि वह किशोरी के साथ संक्षेप में यौन संबंध रखता है तो लाजर के खेत में मदद करता है। वह अंततः अपनी स्थिति को सहन करने के लिए आती है। लाजर उसे पहनने के लिए एक रूढ़िवादी पोशाक खरीदता है, उसके लिए गिटार बजाता है और उसके घर बनाकर खिलाता भी है। लाजर के पादरी और करीबी दोस्त आर एल जॉन कॉथ जूनियर लाजर के घर उसके घर जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि लाजर राय को कैद करके रखता है। पादरी लाजर के साथ तर्क करने की कोशिश करता है और समूह भोजन करता है। इस बीच रोनी अपनी गंभीर चिंता विकार के कारण नेशनल गार्ड के छुट्टी मिलने के बाद शहर लौट आता है। राय की तलाश करते हुए जो गायब हो गई वह गिल से मिलता है और उसे सूचित करता है कि राय जब भी शहर से बाहर होता है तो उसे धोखा देती है। रोनी गिल पर हमला करता है, उसका ट्रक चुराता है और राय की तलाश जारी रखता है। सुबह में लाजर ने राय को मुक्त कर दिया, यह तय करते हुए कि उसके पास उस पर निर्णय पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। राय अपनी मर्जी से लाजर के साथ रहने का विकल्प चुनती है। उस रात एक आंधी के दौरान राय के अनुरोध पर लाजर उसके लिए ब्लाइंड लेमन जेफरसन द्वारा ब्लैक स्नेक मौन गीत गाया। बाद में राय और लाजर शहर की यात्रा करते हैं जहां राय अपनी माँ किम रिचर्ड को अपनी माँ के साथी के हाथों यौन शोषण के बारे में बताते हैं। इस बीच लाजर के स्थानीय फार्मिस्ट एस्ला एस अपाथा मार्कस के साथ एक नवोदित रोमांस बनाया था। वह स्थानीय बार में ब्लूज कॉस्टन बजाता है जिसमें राय भाग लेता है। रोनी ने राय को देखा और लाजर के घर तक पीछा किया। वह एक पिस्तौल के साथ जोड़ी का सामना करता है लेकिन लाजर उसे बताता है कि पादरी को बुलाता है। रोनी और राय तय करते हैं कि वे अलग होने से ज़्यादा मजबूत हैं और शादी कर लें।
दूर जाते समय रॉनी फिर से एक पैनिक अटैक से पीड़ित होता है और राय को अपना एक मंत्र देना शुरू जाता है, लेकिन फिर से वह खुद को एक साथ खींच लेते हैं और एक दूसरे की देखभाल करने का संकल्प लेते हैं। इसी के साथ मूवी का डी एंड हो जाता है। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो सैमुअल एल जैक्सन ने लार्जेस्ट बेरेट का, क्रिस्टन रिची ने राव डॉली का, जस्टिन टिम्बर्स ने सोनिया मॉर्गन का, जॉन कॉटन ने आरएल का, एलिजाबेथ मार्कस ने एंजेला का, डेविड बैनर ने टेमरोना का, किम रिचर्ड ने सैंडी डोले का, सन हाउस ने हिमसेल्फ का, निम्के विल्सन ने निकोलस जेम्सन का, माइकल रैमन जेम्सन ने गिल मॉर्टन का, अदरिय लेकंस ने रोज रोड्स का, लियोट थॉम्सन ने डेकवुड का, जेफ पॉफ ने बॉस्टन का, एमी लेवर्स ने जैसे का, एंड कैलेंट ग्रेंट ने कैल का और कार्ल स्कीप ने चार्ली का रोल प्ले किया है। फिल्म के लिए जैक्सन ने पूरे फिल्म के कई गानों के लिए ब्लूज गिटार बजाना सीखने के लिए आधे साल तक एक दिन में 6 या 7 घंटे बिताए। फिल्मांकन के दौरान रिकी ने वास्तविकता 40 पाउंड की चैन पहनी थी और बीमार दिखने के लिए केवल बिना पोषण मूल्य के खाद्य पदार्थ खाए। उसने एंटरटेनमेंट वीकली को बताया कि जब वह कैमरे में नहीं चल रहे थे तब वह कम पहने रहती थी। सैम, ऐसा होगा कुछ कपड़े पहना लो। मैं ऐसा था, नहीं तो तुम नहीं समझते, मैं कुछ महत्वपूर्ण काम कर रहा हूँ। क्रिस्टन रिकी ने कहा कि कठोर सेक्स दृश्य दर्दनाक थे, आंशिक रूप से क्योंकि उनकी साथी कलाकारों के साथ रेप। निर्माता डेविड बैनर ने अभिनय का कोई पिछला अनुभव नहीं था। बैनर के साथ एक दृश्य में रिकी ने कहा, मुझे आहत किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बलात्कार किया जा रहा हो। यह कठिन था, मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन यह सिर्फ डेव की गलती थी। फिल्म बहुत ही आकर्षक तरीके से शूट की गई। फिल्म में दिखाए जाने वाले सभी सीन लोगों को बहुत ही आश्चर्यचकित करते हैं और लोगों को रुलाते भी हैं। गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपने अगली वीडियो के साथ जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है ब्लैक स्नेक मॉन। ये मूवी 23 फरवरी 2007 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। इस मूवी के निर्देशक क्रैग ब्यूफर हैं तथा यह मूवी स्लैश मार्नर पर आधारित है। इस मूवी को 78% गूगल यूजर द्वारा पसंद किया गया है। वहीं इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.9/10 है। ब्लैक स्नेक मून एक 2006 की अमेरिकी ब्लैक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें क्रैग वेवर द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें सैमुअल एल जैक्सन, क्रिस्टिना रिकी और जस्टिन टिम्बरलेक ने अभिनय किया है। फिल्म एक मिसिसिपी ब्लूजमैन जैक्सन पर आधारित है जो एक परेशान स्थानीय महिला रिकी को अपने घर में बंदी बनाकर रखती है ताकि उसे सड़क के किनारे पूरी तरह से पीटे जाने के बाद उसके निफोनियमिया को ठीक करने की कोशिश की जा सके। इस मूवी के डायरेक्टर क्रिस ब्रेवर तथा राइटर भी क्रिस ब्रेवर हैं। इस मूवी के प्रोड्यूसर स्टीफियन आलियन और जॉन स्टीगलेटन हैं। इस मूवी के मेल लीड कैरेक्टर सैमुअल एल जैक्सन, क्रिस्टिना रिची, जस्टिन टिम्बरलेक एंड एस एलिजाबेथ मैक्सन है। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी एमी विस्टर ने की है। वहीं इस मूवी को एडिट बिली फॉक्स द्वारा किया गया है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर स्कॉट बोमर हैं तथा इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी न्यू डील प्रोडक्शन साउथम कोर्स द डॉग प्रोडक्शन है। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट परमानाउंट वेंटेज ने किया है। वहीं इस मूवी को मुख्य तौर पर 9 दिसंबर 2006 को यूनाइटेड स्टेट में इंग्लिश भाषा में रिलीज किया गया। इस मूवी का टोटल बजट $15 मिलियन का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर केवल $10 मिलियन की ही कमाई करी। फिल्म का शीर्षक 1927 के ब्लाइड लेमन जैक्सन गीत से लिया है। फिल्म मिसिसिपी ब्लूज आंदोलन के कई संदर्भों को आकर्षित करती है, विशेष रूप से इसके शीर्षक और साउंड ट्रैक में। गाइस, एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए
बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी की स्टार्टिंग फिल्म में दो पात्रों पर केंद्रित करती है, लाजा रेड सैमुअल एल जैक्सन और एक गहरा धार्मिक किसान और पूर्व ब्लूज गिटारवादक और राय डूले क्रिटी रिक्की एक युवा यौन व्यसनी। लाजर की पत्नी और उसके भाई के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था जिससे वह कड़वा और क्रोधित हो गया। राय के प्रेमी रोनी मॉर्गन ने जस्टिन डिब्लेट यानी 1960 वे फिल्म आर्टिकल ब्रिगेड टेंसनी नेशनल गार्डन के साथ तैनाती के लिए रवाना होते हैं और उनकी अनुपस्थिति में वह संपलिता और नशीली दवाइयों के उपयोग के मुकाबले में शामिल होते हैं। राय की एक मुलाकात के दौरान रोनी का दोस्त गिल मार्टन यानी माइकल रैमटन जैमसन उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। वह उसकी प्रगति पर हंसती है और उसकी तुलना किसी अन्य पुरुष से करती है और वह उसे बुरी तरह पीटता है। उसे मरा हुआ मानते हुए गिल राय को छोड़ देता है और उसे केवल शर्ट और पैंटी पहनकर सड़क के किनारे छोड़ देता है चला जाता है। लाजर अगली सुबह सड़क के बगल में राय को बेहोश पाता है और उसे वापस स्वास्थ्य के लिए नर्स करने के लिए घर लाता है। लाजर तैरोन यानी डेविड बैनर को देखने जाता है, वह व्यक्ति जिसने लाजर ने सोचा था कि उसे पीटा था और उसकी संपलिता के बारे में सीखता है। कई दिनों के दौरान राय बुखार से ग्रस कभी कभी जागता है और लाजर से भागने की कोशिश करता है। वह उसे भागने में रोकने के लिए उसे रेडिएटर में जंजीर में बांध देता है। राय की अपनी बुद्धि हासिल करने के बाद लाजर ने घोषणा की कि वह उसके पापी तरीकों से उसे ठीक करना उसका आध्यात्मिक कर्तव्य है। जब तक वह ऐसा नहीं करता तब तक उसे रिहा करने से इनकार कर देता है। राय भागने के कई प्रयास करता है, यहाँ तक कि वह किशोरी के साथ संक्षेप में यौन संबंध रखता है तो लाजर के खेत में मदद करता है। वह अंततः अपनी स्थिति को सहन करने के लिए आती है। लाजर उसे पहनने के लिए एक रूढ़िवादी पोशाक खरीदता है, उसके लिए गिटार बजाता है और उसके घर बनाकर खिलाता भी है। लाजर के पादरी और करीबी दोस्त आर एल जॉन कॉस जूनियर लाजर के घर उसके घर जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि लाजर राय को कैद करके रखता है। पादरी लाजर के साथ तर्क करने की कोशिश करता है और समूह भोजन करता है। इस बीच रोनी अपनी गंभीर चिंता विकार के कारण नेशनल गार्ड के छुट्टी मिलने के बाद शहर लौट आता है। राय की तलाश करते हुए जो गायब हो गई वह गिल से मिलता है और उसे सूचित करता है कि राय जब भी शहर से बाहर होता है तो उसे धोखा देती है। रोनी गिल पर हमला करता है, उसका ट्रक चुराता है और राय की तलाश जारी रखता है। सुबह में लाजर ने राय को मुक्त कर दिया, यह तय करते हुए कि उसके पास उस पर निर्णय पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। राय अपनी मर्जी से लाजर के साथ रहने का विकल्प चुनती है। उस रात एक आंधी के दौरान राय के अनुरोध पर लाजर उसके लिए ब्लाइंड लेमन जेफरन द्वारा ब्लैक स्नेक मौन गीत गाया। बाद में राय और लाजर शहर की यात्रा करते हैं जहाँ राय अपनी माँ किम रिचर्ड को अपनी माँ के साथी के हाथों यौन शोषण के बारे में बताते हैं। इस बीच लाजर के स्थानीय फार्मेसला एस अपाथा मार्कस के साथ एक नवोदित रोमांस बनाया था। वह स्थानीय बार में ब्लूज कॉस्टन बजाता है जिसमें राय भाग लेता है। रोनी ने राय को देखा और लाजर के घर तक पीछा किया। वह एक पिस्तौल के साथ जोड़ी का सामना करता है लेकिन लाजर उसे बताता है कि पादरी को बुलाता है। रोनी और राय तय करते हैं कि वे अलग होने से ज़्यादा मजबूत हैं और शादी कर लें। दूर जाते समय रोनी फिर से एक पैनिक अटैक से पीड़ित होता है और राय को अपना एक मंत्र देना शुरू जाता है लेकिन फिर से वे खुद को एक साथ खींच लेते हैं और एक दूसरे की देखभाल करने का संकल्प लेते हैं। इसी के साथ मूवी का डी एंड हो जाता है। मूवी की स्टार्टिंग फिल्म में दो पात्रों पर केंद्रित करती है, लाजा रेड सैमुअल एल जैक्सन और एक गहरा धार्मिक किसान और पूर्व ब्लूज गिटारवादक और राय डूले क्रिटी रिक्की एक युवा यौन व्यसनी। लाजर की पत्नी और उसके भाई के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था जिससे वह कड़वा
और क्रोधित हो गया। राय के प्रेमी रोनी मॉर्गन ने जस्टिन डिब्लेट या 1960 वे फील्ड आर्टिकल ब्रिगेड टेंसनी नेशनल गार्डन के साथ तैनाती के लिए रवाना होते हैं और उनकी अनुपस्थिति में वह संपलिता और नशीली दवाइयों के उपयोग के मुकाबले में शामिल होते हैं। राय की एक मुलाकात के दौरान रोनी का दोस्त गिल मार्टन यानी माइकल रैमटन जैमसन उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। वह उसकी प्रगति पर हंसती है और उसकी तुलना किसी अन्य पुरुष से करती है और वह उसे बुरी तरह पीटता है। उसे मरा हुआ मानते हुए गिल राय को छोड़ देता है और उसे केवल शर्ट और पैंटी पहनकर सड़क के किनारे छोड़ देता है और चला जाता है। लाजर अगली सुबह सड़क के बगल में राय को बेहोश पाता है और उसे वापस स्वास्थ्य के लिए नर्स करने के लिए घर लाता है। लाजर तैरोन यानी डेविड बैनर को देखने जाता है, वह व्यक्ति जिसने लाजर ने सोचा था कि उसे पीटा था और उसकी संपलिता के बारे में सीखता है। कई दिनों के दौरान राय बुखार से ग्रस्त कभी कभी जागता है और लाजर से भागने की कोशिश करता है। वह उसे भागने में रोकने के लिए उसे रेडिएटर में जंजीर में बांध देता है। राय की अपनी बुद्धि हासिल करने के बाद लाजर ने घोषणा की कि वह उसके पापी तरीकों से उसे ठीक करना उसका आध्यात्मिक कर्तव्य है। जब तक वह ऐसा नहीं करता तब तक उसे रिहा करने से इनकार कर देता है। राय भागने के कई प्रयास करता है, यहाँ तक कि वह किशोरी के साथ संक्षेप में यौन संबंध रखता है तो लाजर के खेत में मदद करता है। वह अंततः अपनी स्थिति को सहन करने के लिए आती है। लाजर उसे पहनने के लिए एक रूढ़िवादी पोशाक खरीदता है, उसके लिए गिटार बजाता है और उसके घर बनाकर खिलाता भी है। लाजर के पादरी और करीबी दोस्त आर एल जॉन कॉथ जूनियर लाजर के घर उसके घर जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि लाजर राय को कैद करके रखता है। पादरी लाजर के साथ तर्क करने की कोशिश करता है और समूह भोजन करता है। इस बीच रोनी अपनी गंभीर चिंता विकार के कारण नेशनल गार्ड के छुट्टी मिलने के बाद शहर लौट आता है। राय की तलाश करते हुए जो गायब हो गई वह गिल से मिलता है और उसे सूचित करता है कि राय जब भी शहर से बाहर होता है तो उसे धोखा देती है। रोनी गिल पर हमला करता है, उसका ट्रक चुराता है और राय की तलाश जारी रखता है। सुबह में लाजर ने राय को मुक्त कर दिया, यह तय करते हुए कि उसके पास उस पर निर्णय पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। राय अपनी मर्जी से लाजर के साथ रहने का विकल्प चुनती है। उस रात एक आंधी के दौरान राय के अनुरोध पर लाजर उसके लिए ब्लाइंड लेमन जेफरसन द्वारा ब्लैक स्नेक मौन गीत गाया। बाद में राय और लाजर शहर की यात्रा करते हैं जहाँ राय अपनी माँ किम रिचर्ड को अपनी माँ के साथी के हाथों यौन शोषण के बारे में बताते हैं। इस बीच लाजर के स्थानीय फार्मिस्ट एंसला एस अपाथा मार्कस के साथ एक नवोदित रोमांस बनाया था। वह स्थानीय बार में ब्लूज कॉस्टन बजाता है जिसमें राय भाग लेता है। रोनी ने राय को देखा और लाजर के घर तक पीछा किया। वह एक पिस्तौल के साथ जोड़ी का सामना करता है लेकिन लाजर उसे बताता है कि पादरी को बुलाता है। रोनी और राय तय करते हैं कि वे अलग होने से ज़्यादा मजबूत हैं और शादी कर लें। दूर जाते समय रोनी फिर से एक पैनिक अटैक से पीड़ित होता है और राय को अपना एक मंत्र देना शुरू जाता है, लेकिन फिर से वह खुद को एक साथ खींच लेते हैं और एक दूसरे की देखभाल करने का संकल्प लेते हैं। इसी के साथ मूवी का डी एंड हो जाता है। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो सैमुअल एल जैक्सन ने लार्जेस्ट बेरेट का, क्रिस्टन रिची ने राव डॉली का, जस्टिन टिम्बर्क ने सोनिया मॉर्गन का, जॉन कॉटन ने आर एल का, एलिजाबेथ मार्कस ने एंजेला का, डेविड बैनर ने टैमरोना का, किम रिचर्ड ने सैंडे डोले का, सन हाउस ने हिमसेल्फ का, निम के विल्सन ने निकोलस जेम्सन का, माइकल रेमंड जेम्सन ने गिल मॉर्टन का, अदरिया लेकंस ने रोज रोड्स का, लियोट थॉम्सन ने डेकवुड का, जेफ पॉफ ने बॉस्टन का, एमी लेवर्स ने जैसे का, एंकलेट ग्रेट ने कैल का, स्कीप ने चार्ली का रोल प्ले किया है। फिल्म के लिए जैक्सन ने पूरे फिल्म के कई गानों के लिए ब्लूज गिटार बजाना सीखने के लिए आधे साल तक एक दिन में 6 या 7 घंटे बिताए।
फिल्मांकन के दौरान रिकी ने वास्तविकता 40 पाउंड की चैन पहनी थी और बीमार दिखने के लिए केवल बिना पोषण मूल्य के खाद्य पदार्थ खाए। उसने एंटरटेनमेंट वीकली को बताया कि जब वह कैमरे में नहीं चल रहे थे तब वह कम पहने रहती थी। सैम, ऐसा होगा, कुछ कपड़े पहना लो। मैं ऐसा था, नहीं तो तुम नहीं समझते, मैं कुछ महत्वपूर्ण काम कर रहा हूँ। क्रिस्टन ने रिकी ने कहा कि कठोर सेक्स दृश्य दर्दनाक थे, आंशिक रूप से क्योंकि उनकी साथी कलाकारों के साथ रेप। निर्माता डेविड बैनर ने अभिनय का कोई पिछला अनुभव नहीं था। बैनर के साथ एक दृश्य में रिकी ने कहा, मुझे आहत किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बलात्कार किया जा रहा हो। यह कठिन था, मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन यह सिर्फ डेव की गलती थी। फिल्म बहुत ही आकर्षक तरीके से शूट की गई। फिल्म में दिखाए जाने वाले सभी सीन लोगों को बहुत ही आश्चर्यचकित करते हैं और लोगों को रुलाते भी हैं। गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपने अगली वीडियो के साथ जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है ब्लैक स्नेक मॉन। ये मूवी 23 फरवरी 2007 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। इस मूवी के निर्देशक क्रैग ब्यूफर हैं तथा यह मूवी स्लैश मार्नर पर आधारित है। इस मूवी को 78% गूगल यूजर द्वारा पसंद किया गया है। वहीं इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.9/10 है। ब्लैक स्नेक मॉन एक 2006 की अमेरिकी ब्लैक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें क्रैग वेवर द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें सैमुअल एल जैक्सन, क्रिस्टिना रिकी और जस्टिन टिम्बरलेक ने अभिनय किया है। फिल्म एक मिसिपी ब्लूजमैन जैक्सन पर आधारित है जो एक परेशान स्थानीय महिला रिकी को अपने घर में बंदी बनाकर रखती है ताकि उसे सड़क के किनारे पूरी तरह से पीटे जाने के बाद उसके निफोनियमिया को ठीक करने की कोशिश की जा सके। इस मूवी के डायरेक्टर क्रिस ब्रेवर तथा राइटर भी क्रिस ब्रेवर हैं। इस मूवी के प्रोड्यूसर स्टीफियन आलियन और जॉन स्टीगलेटन हैं। इस मूवी के मेल लीड कैरेक्टर सैमुअल एल जैक्सन, क्रिस्टिना रिची, जस्टिन टाइम्बरलेक एंड एस एलिजाबेथ मैक्सन हैं। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी एमी विस्टर ने की है। वहीं इस मूवी को एडिट बिली फॉक्स द्वारा किया गया है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर स्कॉट बोमर हैं तथा इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी न्यू डील प्रोडक्शन साउथम कोर्स द डॉग प्रोडक्शन है। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट परमानाउंट वेंटेज ने किया है। वहीं इस मूवी को मुख्य तौर पर 9 दिसंबर 2006 को यूनाइटेड स्टेट में इंग्लिश भाषा में रिलीज किया गया। इस मूवी का टोटल बजट $15 मिलियन का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर केवल $10 मिलियन की ही कमाई करी। फिल्म का शीर्षक 1927 के ब्लाइंड लेमन जैक्सन गीत से लिया है। फिल्म मिसिसिपी ब्लूज आंदोलन के कई संदर्भों को आकर्षित करती है, विशेष रूप से इसके शीर्षक और साउंडट्रैक में। गाइस, एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी की स्टार्टिंग फिल्म में दो पात्रों पर केंद्रित करती है, लाजारेट सैमुअल एल जैक्सन और एक गहरा धार्मिक किसान और पूर्व ब्लूज गिटारवादक और राय डूले क्रिटी रिकी, एक युवा यौन व्यसनी। लाजर की पत्नी और उसके भाई के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था जिससे वह कड़वा और क्रोधित हो गया। राय के प्रेमी रोनी मॉर्गन ने जस्टिन डिब्लेट या 1960 फिल्म आर्टिकल ब्रिगेड टेंसनी नेशनल गार्डन के साथ तैनाती के लिए रवाना होते हैं और उनकी अनुपस्थिति में वह संपलिता और नशीली दवाइयों के उपयोग के मुकाबले में शामिल होते हैं। राय की एक मुलाकात के दौरान रोनी का दोस्त गिल मार्टन यानी माइकल रैमटन जैमसन उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। वह उसकी प्रगति पर हंसती है और उसकी तुलना किसी अन्य पुरुष से करती है और वह उसे बुरी तरह पीटता है।
उसे मरा हुआ मानते हुए गिल राय को छोड़ देता है और उसे केवल शर्ट और पैंटी पहनकर सड़क के किनारे छोड़ देता है और चला जाता है। लाजर अगली सुबह सड़क के बगल में राय को बेहोश पाता है और उसे वापस स्वास्थ्य के लिए नर्स करने के लिए घर लाता है। लाजर तैरून यानी डेविड बैनर को देखने जाता है, वह व्यक्ति जिसने लाजर ने सोचा था कि उसे पीटा था और उसकी संपलिता के बारे में सीखता है। कई दिनों के दौरान राय बुखार से ग्रस्त कभी कभी जागता है और लाजर से भागने की कोशिश करता है। वह उसे भागने में रोकने के लिए उसे रेडिएटर में जंजीर में बांध देता है। राय की अपनी बुद्धि हासिल करने के बाद लाजर ने घोषणा की कि वह उसके पापी तरीकों से उसे ठीक करना उसका आध्यात्मिक कर्तव्य है। जब तक वह ऐसा नहीं करता तब तक उसे रिहा करने से इनकार कर देता है। राय भागने के कई प्रयास करता है, यहाँ तक कि वह किशोरी के साथ संक्षेप में यौन संबंध रखता है तो लाजर के खेत में मदद करता है। वह अंततः अपनी स्थिति को सहन करने के लिए आती है। लाजर उसे पहनने के लिए एक रूढ़िवादी पोशाक खरीदता है, उसके लिए गिटार बजाता है और उसके घर बनाकर खिलाता भी है। लाजर के पादरी और करीबी दोस्त आर एल जॉन कॉस जूनियर लाजर के घर उसके घर जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि लाजर राय को कैद करके रखता है। पादरी लाजर के साथ तर्क करने की कोशिश करता है और समूह भोजन करता है। इस बीच रोनी अपनी गंभीर चिंता विकार के कारण नेशनल गार्ड के छुट्टी मिलने के बाद शहर लौट आता है। राय की तलाश करते हुए जो गायब हो गई वह गिल से मिलता है और उसे सूचित करता है कि राय जब भी शहर से बाहर होता है तो उसे धोखा देती है। रोनी गिल पर हमला करता है, उसका ट्रक चुराता है और राय की तलाश जारी रखता है। सुबह में लाजर ने राय को मुक्त कर दिया, यह तय करते हुए कि उसके पास उस पर निर्णय पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। राय अपनी मर्जी से लाजर के साथ रहने का विकल्प चुनती है। उस रात एक आंधी के दौरान राय के अनुरोध पर लाजर उसके लिए ब्लाइंड लेमन जेफरसन द्वारा ब्लैक स्नेक मौन गीत गाया। बाद में राय और लाजर शहर की यात्रा करते हैं, जहाँ राय अपनी माँ किम रिचर्ड को अपनी माँ के साथी के हाथों यौन शोषण के बारे में बताते हैं। इस बीच लाजर के स्थानीय फार्मेसिस्ट एसला एस अपाथा मार्कस के साथ एक नवोदित रोमांस बनाया था। वह स्थानीय बार में ब्लूज कॉस्टन बजाता है जिसमें राय भाग लेता है। रोनी ने राय को देखा और लाजर के घर तक पीछा किया। वह एक पिस्तौल के साथ जोड़ी का सामना करता है, लेकिन लाजर उसे बताता है कि पादरी को बुलाता है। रोनी और राय तय करते हैं कि वे अलग होने से ज़्यादा मजबूत हैं और शादी कर लें। दूर जाते समय रोनी फिर से एक पैनिक अटैक से पीड़ित होता है और राय को अपना एक मंत्र देना शुरू जाता है, लेकिन फिर से वह खुद को एक साथ खींच लेते हैं और एक दूसरे की देखभाल करने का संकल्प लेते हैं। इसी के साथ मूवी का डी एंड हो जाता है। मूवी की स्टार्टिंग फिल्म में दो पात्रों पर केंद्रित करती है, लाजारेट सैमुअल एल जैक्सन और एक गहरा धार्मिक किसान और पूर्व ब्लूज गिटारवादक और राय डूले क्रिटी रिक्की एक युवा यौन व्यसनी। लाजर की पत्नी और उसके भाई के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था जिससे वह कड़वा और क्रोधित हो गया। राय के प्रेमी रोनी मॉर्गन ने जस्टिन डिब्लिट यानी 1960 वे फिल्म आर्टिकली ब्रिगेड टेंसनी नेशनल गार्डन के साथ तैनाती के लिए रवाना होते हैं और उनकी अनुपस्थिति में वह संपलिता और नशीली दवाइयों के उपयोग के मुकाबले में शामिल होते हैं। राय की एक मुलाकात के दौरान रोनी का दोस्त गिल मार्टन यानी माइकल रैमटन जैमसन उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। वह उसकी प्रगति पर हंसती है और उसकी तुलना किसी अन्य पुरुष से करती है और वह उसे बुरी तरह पीटता है। उसे मरा हुआ मानते हुए गिल राय को छोड़ देता है और उसे केवल शर्ट और पैंटी पहनकर सड़क के किनारे छोड़ देता है और चला जाता है। लाजर अगली सुबह सड़क के बगल में राय को बेहोश पाता है और उसे वापस स्वास्थ्य के लिए नर्स करने के लिए घर लाता है। लाजर तैरून यानी डेविड बैनर को देखने जाता है, वह व्यक्ति जिसने लाजर ने सोचा था कि उसे पीटा था और उसकी संपलिता के बारे में सीखता है। कई दिनों के दौरान राय
बुखार से ग्रस्त कभी कभी जागता है और राजा से भागने की कोशिश करता है। वह उसे भागने में रोकने के लिए उसे रेडिएटर में जंजीर में बांध देता है। राय की अपनी बुद्धि हासिल करने के बाद राजा ने घोषणा की कि वह उसके पापी तरीकों से उसे ठीक करना उसका आध्यात्मिक कर्तव्य है। जब तक वह ऐसा नहीं करता तब तक उसे रिहा करने से इनकार कर देता है। राय भागने के कई प्रयास करता है, यहाँ तक कि वह किशोरी के साथ संक्षेप में यौन संबंध रखता है तो राजा के खेत में मदद करता है। वह अंततः अपनी स्थिति को सहन करने के लिए आती है। लाजर उसे पहनने के लिए एक रूढ़िवादी पोशाक खरीदता है, उसके लिए गिटार बजाता है और उसके घर बनाकर खिलाता भी है। लाजर के पादरी और करीबी दोस्त आर एल जॉन कॉथ जूनियर लाजर के घर उसके घर जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि लाजर राय को कैद करके रखता है। पादरी लाजर के साथ तर्क करने की कोशिश करता है और समूह भोजन करता है। इस बीच रोनी अपनी गंभीर चिंता विकार के कारण नेशनल गार्ड के छुट्टी मिलने के बाद शहर लौट आता है। राय की तलाश करते हुए जो गायब हो गई वह गिल से मिलता है और उसे सूचित करता है कि राय जब भी शहर से बाहर होता है तो उसे धोखा देती है। रोनी गिल पर हमला करता है, उसका ट्रक चुराता है और राय की तलाश जारी रखता है। सुबह में लाजर ने राय को मुक्त कर दिया, यह तय करते हुए कि उसके पास उस पर निर्णय पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। राय अपनी मर्जी से लाजर के साथ रहने का विकल्प चुनती है। उस रात एक आंधी के दौरान राय के अनुरोध पर लाजर उसके लिए ब्लाइंड लेमन जेफरन द्वारा ब्लैक स्नेक मौन गीत गाया। बाद में राय और लाजर शहर की यात्रा करते हैं, जहाँ राय अपनी माँ किम रिचर्ड को अपनी माँ के साथी के हाथों यौन शोषण के बारे में बताते हैं। इस बीच लाजर के स्थानीय फार्मिस्ट एसला एस अपाथा मार्कस के साथ एक नवोदित रोमांस बनाया था। वह स्थानीय बार में ब्लूज कॉस्टन बजाता है जिसमें राय भाग लेता है। रोनी ने राय को देखा और लाजर के घर तक पीछा किया। वह एक पिस्तौल के साथ जोड़ी का सामना करता है लेकिन लाजर उसे बताता है कि पादरी को बुलाता है। रोनी और राय तय करते हैं कि वे अलग होने से ज़्यादा मजबूत हैं और शादी कर लें। दूर जाते समय रोनी फिर से एक पैनिक अटैक से पीड़ित होता है और राय को अपना एक मंत्र देना शुरू जाता है, लेकिन फिर से वह खुद को एक साथ खींच लेते हैं और एक दूसरे की देखभाल करने का संकल्प लेते हैं। इसी के साथ मूवी का डी एंड हो जाता है। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो सैमुअल एल जैक्सन ने लार्जेस्ट बेरेट का, क्रिस्टन रिची ने राव डॉली का, जस्टिन टिम्बर्क ने सोनिया मोर्गन का, जॉन कॉटन ने आरएल का, एलिजाबेथ मार्कस ने एंजेला का, डेविड बैनर ने टैमरोना का, किम रिचर्ड ने सैंडे डोले का, सन हाउस ने हिमसेल्फ का, निमके विल्सन ने निकोलस जेम्सन का, माइकल रेमंड जेम्सन ने गिल मॉर्टन का, अदरिया लेकंस ने रोज रोड्स का, लियोट थॉम्सन ने डेकवुड का, जेफ पॉप ने बॉस्टन का, एमी लेवर्स ने जैसे का, एंकेलेंट ग्रेंट ने कैल का और कार्ल स्कीप ने चार्ली का रोल प्ले किया है। फिल्म के लिए जैक्सन ने पूरे फिल्म के कई गानों के लिए ब्लूज गिटार बजाना सीखने के लिए आधे साल तक एक दिन में 6 या 7 घंटे बिताए। फिल्मांकन के दौरान रिकी ने वास्तविकता 40 पाउंड की चैन पहनी थी और बीमार दिखने के लिए केवल बिना पोषण मूल्य के खाद्य पदार्थ खाए। उसने एंटरटेनमेंट वीकली को बताया कि जब वह कैमरे में नहीं चल रहे थे तब वह कम पहने रहती थी। सैम, ऐसा होगा, कुछ कपड़े पहना लो। मैं ऐसा था, नहीं तो तुम नहीं समझते, मैं कुछ महत्वपूर्ण काम कर रहा हूँ। क्रिस्टन रिकी ने कहा कि कठोर सेक्स दृश्य दर्दनाक थे आंशिक रूप से क्योंकि उनकी साथी कलाकारों के साथ रेप। निर्माता डेविड बैनर ने अभिनय का कोई पिछला अनुभव नहीं था। बैनर के साथ एक दृश्य में रिकी ने कहा, मुझे आहत किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बलात्कार किया जा रहा हो। यह कठिन था, मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन यह सिर्फ डेव की गलती थी। फिल्म बहुत ही आकर्षक तरीके से शूट की गई। फिल्म में दिखाए जाने वाले सभी सीन लोगों को बहुत ही आश्चर्यचकित करते हैं और लोगों को रुलाते भी हैं। गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।
हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपने अगली वीडियो के साथ जरूर हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है ब्लैक स्नेक मॉन। ये मूवी 23 फरवरी 2007 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। इस मूवी के निर्देशक क्रैग ब्यूफर हैं तथा यह मूवी स्लैश मार्नर पर आधारित है। इस मूवी को 78% गूगल यूजर द्वारा पसंद किया गया है। वहीं इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.9/10 है। ब्लैक स्नेक मून एक 2006 की अमेरिकी ब्लैक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें क्रैग वेवर द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें सैमुअल एल जैक्सन, क्रिस्टिना रिकी और जस्टिन टिम्बरलेक ने अभिनय किया है। फिल्म एक मिसिसिपी ब्लूजमैन जैक्सन पर आधारित है जो एक परेशान स्थानीय महिला रिकी को अपने घर में बंदी बनाकर रखती है ताकि उसे सड़क के किनारे पूरी तरह से पीटे जाने के बाद उसके निफोनियमिया को ठीक करने की कोशिश की जा सके। इस मूवी के डायरेक्टर क्रिस ब्रेवर तथा राइटर भी क्रिस ब्रेवर हैं। इस मूवी के प्रोड्यूसर स्टीफियन आलियन और जॉन स्टीगलेटन हैं। इस मूवी के मेल लीड कैरेक्टर सैमुअल एल जैक्सन, क्रिस्टिना रिची, जस्टिन टाइमब्लेकल एंड एस एलिजाबेथ मैक्सन है। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी एमी विस्टर ने की है। वहीं इस मूवी को एडिट बिली फॉक्स द्वारा किया गया है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर स्कॉट बोमर हैं तथा इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी न्यू डील प्रोडक्शन साउथ टर्म कोर्स द डॉग प्रोडक्शन है। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट परमानाउंट वेंटेज ने किया है। वहीं इस मूवी को मुख्य तौर पर 9 दिसंबर 2006 को यूनाइटेड स्टेट में इंग्लिश भाषा में रिलीज किया गया। इस मूवी का टोटल बजट $15 मिलियन का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर केवल $10 मिलियन की ही कमाई करी। फिल्म का शीर्षक 1927 के ब्लाइड लेमन जैक्सन गीत से लिया है। फिल्म मिसिसिपी ब्लूज आंदोलन के कई संदर्भों को आकर्षित करती है, विशेष रूप से इसके शीर्षक और साउंड ट्रैक में। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी की स्टार्टिंग फिल्म में दो पात्रों पर केंद्रित करती है, लाजारेट सैमुअल एल जैक्सन और एक गहरा धार्मिक किसान और पूर्व ब्लूज गिटारवादक और राय डूले क्रिटी रिकी एक युवा यौन व्यसनी। लाजर की पत्नी और उसके भाई के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था जिससे वह कड़वा और क्रोधित हो गया। राय के प्रेमी रोनी मॉर्गन ने जस्टिन डिब्लेट या 1960 फिल्म आर्टिकल ब्रिगेड टेंसनी नेशनल गार्डन के साथ तैनाती के लिए रवाना होते हैं और उनकी अनुपस्थिति में वह संपलिता और नशीली दवाइयों के उपयोग के मुकाबले में शामिल होते हैं। राय की एक मुलाकात के दौरान रोनी का दोस्त जिल मार्टन यानी माइकल रैमचंद जैमसन उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। वह उसकी प्रगति पर हंसती है और उसकी तुलना किसी अन्य पुरुष से करती है और वह उसे बुरी तरह पीटता है। उसे मरा हुआ मानते हुए जिल राय को छोड़ देता है और उसे केवल शर्ट और पैंटी पहनकर सड़क के किनारे छोड़ देता है, चला जाता है। लाजर अगली सुबह सड़क के बगल में राय को बेहोश पाता है और उसे वापस स्वास्थ्य के लिए नर्स करने के लिए घर लाता है। लाजर तैरोन यानी डेविड बैनर को देखने जाता है, वह व्यक्ति जिसने लाजर ने सोचा था कि उसे पीटा था और उसकी संपलिता के बारे में सीखता है। कई दिनों के दौरान राय बुखार से ग्रस्त कभी कभी जागता है और लाजर से भागने की कोशिश करता है। वह उसे भागने में रोकने के लिए उसे रेडिएटर में जंजीर में बांध देता है। राय की अपनी बुद्धि हासिल करने के बाद लाजर ने घोषणा की कि वह उसके पापी तरीकों से उसे ठीक करना उसका आध्यात्मिक कर्तव्य है। जब तक वह ऐसा नहीं करता तब तक उसे रिहा करने से इनकार कर देता है। राय भागने के कई प्रयास करता है, यहाँ तक कि वह किशोरी के साथ संक्षेप में यौन संबंध रखता है तो लाजर के खेत में मदद करता है।
वह अंततः अपनी स्थिति को सहन करने के लिए आती है। लाजर उसे पहनने के लिए एक रूढ़िवादी पोशाक खरीदता है, उसके लिए गिटार बजाता है और उसके घर बनाकर खिलाता भी है। लाजर के पादरी और करीबी दोस्त आर एल जॉन कॉस जूनियर लाजर के घर उसके घर जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि लाजर राय को कैद करके रखता है। पादरी लाजर के साथ तर्क करने की कोशिश करता है और समूह भोजन करता है। इस बीच रोनी अपनी गंभीर चिंता विकार के कारण नेशनल गार्ड के छुट्टी मिलने के बाद शहर लौट आता है। राय की तलाश करते हुए जो गायब हो गई वह गिल से मिलता है और उसे सूचित करता है कि राय जब भी शहर से बाहर होता है तो उसे धोखा देती है। रोनी गिल पर हमला करता है, उसका ट्रक चुराता है और राय की तलाश जारी रखता है। सुबह में लाजर ने राय को मुक्त कर दिया, यह तय करते हुए कि उसके पास उस पर निर्णय पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। राय अपनी मर्जी से लाजर के साथ रहने का विकल्प चुनती है। उस रात एक आंधी के दौरान राय के अनुरोध पर लाजर उसके लिए ब्लाइंड लेमन जेफरसन द्वारा ब्लैक स्नेक मौन गीत गाया। बाद में राय और लाजर शहर की यात्रा करते हैं, जहाँ राय अपनी माँ किम रिचर्ड को अपनी माँ के साथी के हाथों यौन शोषण के बारे में बताते हैं। इस बीच लाजर के स्थानीय फार्मेसिस्ट एसला एस अपाथा मार्कस के साथ एक नवोदित रोमांस बनाया था। वह स्थानीय बार में ब्लूज कॉस्टन बजाता है जिसमें राय भाग लेता है। रोनी ने राय को देखा और लाजर के घर तक पीछा किया। वह एक पिस्तौल के साथ जोड़ी का सामना करता है, लेकिन लाजर उसे बताता है कि पादरी को बुलाता है। रोनी और राय तय करते हैं कि वे अलग होने से ज़्यादा मजबूत हैं और शादी कर लें। दूर जाते समय रोनी फिर से एक पैनिक अटैक से पीड़ित होता है और राय को अपना एक मंत्र देना शुरू जाता है, लेकिन फिर से वह खुद को एक साथ खींच लेते हैं और एक दूसरे की देखभाल करने का संकल्प लेते हैं। इसी के साथ मूवी का डी एंड हो जाता है। मूवी की स्टार्टिंग फिल्म में दो पात्रों पर केंद्रित करती है, लाजारेट सैमुअल एल जैक्सन और एक गहरा धार्मिक किसान और पूर्व ब्लूज गिटारवादक और राय डूले क्रिटी रिक्की एक युवा यौन व्यसनी। लाजर की पत्नी और उसके भाई के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था जिससे वह कड़वा और क्रोधित हो गया। राय के प्रेमी रोनी मॉर्गन ने जस्टिन डिब्लिट या 1960 वे फिल्म आर्टिकल ब्रिगेड टेंसनी नेशनल गार्डन के साथ तैनाती के लिए रवाना होते हैं और उनकी अनुपस्थिति में वह संपलिता और नशीली दवाइयों के उपयोग के मुकाबले में शामिल होते हैं। राय की एक मुलाकात के दौरान रोनी का दोस्त गिल मार्टन यानी माइकल रैमटन जैमसन उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। वह उसकी प्रगति पर हंसती है और उसकी तुलना किसी अन्य पुरुष से करती है और वह उसे बुरी तरह पीटता है। उसे मरा हुआ मानते हुए गिल राय को छोड़ देता है और उसे केवल शर्ट और पैंटी पहनकर सड़क के किनारे छोड़ देता है, चला जाता है। लाजर अगली सुबह सड़क के बगल में राय को बेहोश पाता है और उसे वापस स्वास्थ्य के लिए नर्स करने के लिए घर लाता है। लाजर तैरोन यानी डेविड बैनर को देखने जाता है, वह व्यक्ति जिसने लाजर ने सोचा था कि उसे पीटा था और उसकी संपलिता के बारे में सीखता है। कई दिनों के दौरान राय बुखार से ग्रस्त कभी कभी जागता है और लाजर से भागने की कोशिश करता है। वह उसे भागने में रोकने के लिए उसे रेडिएटर में जंजीर में बांध देता है। राय की अपनी बुद्धि हासिल करने के बाद लाजर ने घोषणा की कि वह उसके पापी तरीकों से उसे ठीक करना उसका आध्यात्मिक कर्तव्य है। जब तक वह ऐसा नहीं करता तब तक उसे रिहा करने से इनकार कर देता है। राय भागने के कई प्रयास करता है, यहाँ तक कि वह किशोरी के साथ संक्षेप में यौन संबंध रखता है तो लाजर के खेत में मदद करता है। वह अंततः अपनी स्थिति को सहन करने के लिए आती है। लाजर उसे पहनने के लिए एक रूढ़िवादी पोशाक खरीदता है, उसके लिए गिटार बजाता है और उसके घर बनाकर खिलाता भी है। लाजर के पादरी और करीबी दोस्त आर एल जॉन कॉस जूनियर लाजर के घर उसके घर जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि लाजर राय को कैद करके रखता है। पादरी लाजर के साथ
तर्क करने की कोशिश करता है और समूह भोजन करता है। इस बीच रोनी अपनी गंभीर चिंता विकार के कारण नेशनल गार्ड के छुट्टी मिलने के बाद शहर लौट आता है। राय की तलाश करते हुए जो गायब हो गई वह गिल से मिलता है और उसे सूचित करता है कि राय जब भी शहर से बाहर होता है तो उसे धोखा देती है। रोनी गिल पर हमला करता है, उसका ट्रक चुराता है और राय की तलाश जारी रखता है। सुबह में लाजर ने राय को मुक्त कर दिया, यह तय करते हुए कि उसके पास उस पर निर्णय पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। राय अपनी मर्जी से लाजर के साथ रहने का विकल्प चुनती है। उस रात एक आंधी के दौरान राय के अनुरोध पर लाजर उसके लिए ब्लाइंड लेमन जेफरन द्वारा ब्लैक स्नेक मौन गीत गाया। बाद में राय और लाजर शहर की यात्रा करते हैं, जहाँ राय अपनी माँ किम रिचर्ड को अपनी माँ के साथी के हाथों यौन शोषण के बारे में बताते हैं। इस बीच लाजर के स्थानीय फार्मेसिस्ट एंसला एस अपाथा मार्कस के साथ एक नवोदित रोमांस बनाया था। वह स्थानीय बार में ब्लूज कॉस्टन बजाता है जिसमें राय भाग लेता है। रोनी ने राय को देखा और लाजर के घर तक पीछा किया। वह एक पिस्तौल के साथ जोड़ी का सामना करता है, लेकिन लाजर उसे बताता है कि पादरी को बुलाता है। रोनी और राय तय करते हैं कि वे अलग होने से ज़्यादा मजबूत हैं और शादी कर लें। दूर जाते समय रोनी फिर से एक पैनिक अटैक से पीड़ित होता है और राय को अपना एक मंत्र देना शुरू जाता है, लेकिन फिर से वह खुद को एक साथ खींच लेते हैं और एक दूसरे की देखभाल करने का संकल्प लेते हैं। इसी के साथ मूवी का डी एंड हो जाता है। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो सैमुअल एल जैक्सन ने लार्जर बेरेट का, क्रिस्टन रिची ने राव डॉली का, जस्टिन टिम्बर्ग ने सोनिया मोर्गन का, जॉन कॉटन ने आरएल का, एलिजाबेथ मार्कस ने एंजेला का, डेविड बैनर ने टैमरोना का, किम रिचर्ड ने सैंडी डोले का, सन हाउस ने हिमसेल्फ का, निमके विल्सन ने निकोलस जेम्सन का, माइकल रेमंड जेम्सन ने गिल मॉर्टन का, अदरिया लेकंस ने रोज रोड्स का, लियोट थॉम्सन ने डेकवुड का, जेफ पॉफ ने बॉस्टन का, एमी लेवर्स ने जैसे का, एंकलेट ग्रेंट ने कैल का, कार्लिस स्कीप ने चार्ली का रोल प्ले किया है। फिल्म के लिए जैक्सन ने पूरे फिल्म के कई गानों के लिए ब्लूज गिटार बजाना सीखने के लिए आधे साल तक एक दिन में 6 या 7 घंटे बिताए। फिल्मांकन के दौरान रिकी ने वास्तविकता 40 पाउंड की चैन पहनी थी और बीमार दिखने के लिए केवल बिना पोषण मूल्य के खाद्य पदार्थ खाए। उसने एंटरटेनमेंट वीकली को बताया कि जब वह कैमरे में नहीं चल रहे थे तब वह कम पहने रहती थी। सैम, ऐसा होगा, कुछ कपड़े पहना लो। मैं ऐसा था, नहीं तो तुम नहीं समझते, मैं कुछ महत्वपूर्ण काम कर रहा हूँ। क्रिस्टन रिकी ने कहा कि कठोर सेक्स दृश्य दर्दनाक थे, आंशिक रूप से क्योंकि उनकी साथी कलाकारों के साथ रेप निर्माता डेविड बैनर ने अभिनय का कोई पिछला अनुभव नहीं था। बैनर के साथ एक दृश्य में रिकी ने कहा, मुझे आहत किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बलात्कार किया जा रहा हो, यह कठिन था, मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन यह सब डेव की गलती थी। फिल्म बहुत ही आकर्षक तरीके से शूट की गई। फिल्म में दिखाए जाने वाले सभी सीन लोगों को बहुत ही आश्चर्यचकित करते हैं और लोगों को रुलाते भी हैं। गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपने अगली वीडियो के साथ जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।